أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون तुम लोगों के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उसके साथियों में एक अच्छा नमूना है कि उन्होंने अपनी कौम से साफ कह दिया, हम तुम से और तुम्हारे इन माबूदों से जिनको तुम खुदा को छोड़कर पूजते हो वो कतई बेजार है, हमने तुम से कुफ्र किया और हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा के लिए अदावत होगी और बेड़ पड़ गया जब तक तुम अल्लाह वाहिद पर ईमान न लाओ। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने बाप से ये कहना कि मैं आपके लिए मग़फ़िरत की दरख्वास्त ज़रूर करूँगा और अल्लाह से आपके लिए कुछ हासिल कर लेना मेरे बस में नहीं है। ए हमारे रब, तेरे ही ऊपर हमने भरोसा किया और तेरी ही तरफ हमने रुजू किया और तेरी ही तरफ सब हमको पलटना है। ए हमारे रब, हमें काफिरों के लिए फितना ना बना दे और ए हमारे रब, कसूरों से दरगुजर फरमा, बेशक तू ही ज़बरदस्त और दाना है। उन्हीं लोगों के तर्ज़ अमल में तुम्हारे लिए और हर उस शख्स के लिए अच्छा नमूना है जो अल्लाह और रोज़े आखिर का उम्मीदवार हो, इससे कोई मुनहरिफ हो तो अल्लाह बेनियाज और अपनी ज़ात में आप महदूद है। बाइद नहीं कि अल्लाह कभी तुम्हारे और उन लोगों के दरमियान मोहब्बत डाल दे जिनसे आज तुमने दुश्मनी मोल ली है। अल्लाह बड़ी कुदरत रखता है और वो गफूर रहीम है। अल्लाह तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ नेकी और इंसाफ का बर्ताव करो जिन्होंने दीन के मामले में
तुमसे जंग की जंग नहीं की और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला। अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। वो तुम्हें जिस चीज़ से रोकता है वो तो ये है कि तुम उन लोगों से दोस्ती करो जिन्होंने तुमसे दीन के मामले में जंग की और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है और तुम्हारे इखराज में एक दूसरे की मदद की है। इनसे जो लोग दोस्ती करें वही जालिम है। सदकल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह। कोई हमारा रफीक वफा शुआर तो हो, मसीहा गर न सही कोई गम गुसार तो हो। अंजुमन इस्लाम अब्दुल सत्तार शोएब स्कूल के सीनियर टीचर और बेगुनाह कैदी जो 9 बरस जेल की सलाखों के पीछे गुजारे, जनाब अब्दुल वाहिद शेख साहब को मैं आवाज़ देता हूँ, वो आए और आज के प्रोग्राम की गर्ज़ो गायद पेश करें। इससे पहले मैं मेहमानों से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। मनीषा भल्ला साहिबा, एडवोकेट मारूख आदन वाला, प्लीज़ स्टेज पे, मैम स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर आनंद साहब, ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब, ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। एडवोकेट वाहिद शेख साहब से गुजारिश है कि आज के प्रोग्राम की गर्ज़ो गायद पेश करें। वाहिद शेख साहब, इरफान इंजीनियर साहब भी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में आए हुए तमाम स्पीकर्स और तमाम सामईन का मैं खैर मकदम करता हूं। इनोसेंस नेटवर्क ऑफ इंडिया की जानिब से, इनोसेंस नेटवर्क ऑफ इंडिया पिछले 7-8 सालों से जो बेगुनाह कैदी है उनके हवाले से छोटे मोटे काम करते आया है और जेल से बाहर आने के बाद हमने एक फ़ैसला लिया था कि हमारे जो दिफाई वकील है एडवोकेट शाहिद आज़मी, जिन्हें 2010 में शहीद कर दिया गया था, उसकी तफसीलात आप जानते हैं, उनके सिलसिले में हमने एक मेमोरियल लेक्चर का सिलसिला शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 सालों से ये मेमोरियल लेक्चर इसी हॉल में बिला नागा हो रहा है। पिछले 7 सालों में जिन टॉपिक्स को हमने कवर किया है वो टॉपिक्स बहुत ही बर्निंग टॉपिक्स है। वो टॉपिक्स हिंदुस्तान के मुसलमानों से बड़ा जिनका गहरा ताल्लुक है, वो टॉपिक्स ऐसे है कि जिस पर बात करना भी गोया के जुर्म करार दिया गया है और वो टॉपिक्स ऐसे है कि जिसको अगर रिजॉल्व नहीं किया गया तो ये मुल्क जो है बिल्कुल तबाही के दहाने पे गोया के खड़ा है। आप चंद टॉपिक्स पे ज़रा से नज़र दौड़ाइए। पिछले 7 सालों में जिन टॉपिक्स पर हमने बात की है, एक टॉपिक हमने मुस्लिम जेनोसाइड पर किया था, उससे पहले CANRC का जब इशू हुआ उस मौजू पर भी हमने बात की थी। भारत के अंदर जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल जो किलिंग्स हो रही है, उस हवाले से हमने एक बार प्रोग्राम किया था। उसके अलावा हमने टेररिज्म ट्रायल्स जो कोर्ट के अंदर चलते हैं, महरुख मैडम यहाँ बैठे हैं और वो जानते हैं कि किस तरह से टेररिज्म ट्रायल्स कोर्ट में चलते हैं और किस तरह से जुडिशरी का रवैया जो है बिल्कुल यकतरफा हो जाता है, कितने प्रोलॉन्ग टेररिज्म ट्रायल्स यहाँ पे चल रहे हैं। इंडियन मुजाहिदीन का जो ट्रायल है पिछले 14 सालों से शुरू ही नहीं हुआ और इस बुनियाद पर बेल मांगी गई है और हाई कोर्ट ने वो बेल भी जो है देने से इनकार कर दिया है, तो ये रवैया जो है जुडिशरी का भी है। उसके अलावा इस साल हमने बुलडोज़र जेनोसाइड पर बात रखी है। ये बुलडोज़र जेनोसाइड ना सिर्फ UP, MP और दिल्ली बल्कि इसकी वबा जो है ऐसे स्टेट में भी पहुंच चुकी है जिसे सेक्युलर स्टेट होने का गोया के दावा है। हिंदुस्तान की और
बम्बई महाराष्ट्र की जो बहुत बड़ा और मशहूर शहर है, ये बुलडोज़र जेनोसाइड की वबा वहाँ तक के पहुँच गई है। और कल जो है हमने सुना है कि किस तरह से इस हवाले से जो एक फायरिंग भी हुई है और कई मासूम लोगों की जानें भी गई है। तो आज मेहमानान आए हैं, इस पर बात रखेंगे इंशाल्लाह। मैं इस हवाले से दो तीन बात आपके सामने करना चाहता हूँ। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हम बात करेंगे, जो लोग बात करते हैं आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या है, जिसमें ये कहा गया है कि फ्रीडम, और फ्रीडम में जो है हर तरह की आज़ादी है, जीने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, हर तरह की आज़ादी है, लेकिन शेल्टर की आज़ादी भी उसमें शामिल की गई है। लेकिन आप देखिए रवैया ये है कि जिसको एक्यूज़ बनाया गया, अभी सिर्फ वो एक्यूज़ है, उस पर जुर्म साबित नहीं हुआ, उसको तो जेल की शक्ल में गोया एक शेल्टर दिया गया, लेकिन उसके घर को ढा करके, उसके घर को बुलडोज करके, उसकी फैमिली को जो है शेल्टर से महरूम किया गया, जिनका कोई गुनाह नहीं है, जिनका कोई अभी तक जिन पर कोई एक्यूजेशन भी नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि जिस पर एक्यूजेशन हुआ है उस पर जब तक के गुनाह साबित नहीं होता उसको सज़ा नहीं दी जानी चाहिए थी। और सज़ा देने का इख्तियार अगर कानून की निगाह में हम देखें तो अदालत को है। किसी एडमिनिस्ट्रेटिव तनाजुर में इस तरह से इल्ज़ाम लगाना और फौरन उसके घर वालों को जो है बेघर करना, ये जो है बिल्कुल नामुनासिब बात है, और ये आर्टिकल 21 का साफ साफ उल्लंघन है। 3 जुलाई 2022 को लंदन में दसियों ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली और हज़ारों हज़ार अफराद ने उसमें शिरकत हासिल की, और उस रैली का जो नाम रखा गया, उस रैली का नाम था इंडियास बुलडोज़र जेनोसाइड। बहुत बड़ा पोस्टर आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा और बहुत से लोगों ने उसमें शिरकत की, और ये कहा कि जो इंडिया के अंदर जो बुलडोज़र टेक्निक जो इस्तेमाल की जा रही है, जिसको कि इसराइल से मुस्तार लिया गया है, इसको जो है फिलफोर रोकने की ज़रूरत है। अल जज़ीरा ने 4 सितंबर 2023 को एक रिपोर्ट शाया की और उसने कहा मोदीज लेसन्स फ्रॉम इसराइल, डिमोलिश मुस्लिम हाउसेस, इरेज देयर हिस्ट्री। पूरे इंडिया से जो है मुस्लिम हाउसेस को एक्यूजेशन के हवाले से डिमोलिश करना और उनकी हिस्ट्री को जो है इरेज करना। भी दो दिन पहले की खबर है कि 900 साल पुरानी एक मज़ार को उसको जो है ढा दिया गया, मस्मार कर दिया गया। इसके अलावा अगस्त 2023 के अंदर नूह में आप जानते हैं कि फसाद हुआ और 300 से ज़ायद घरों को डिमोलिश किया गया। बाद में जो है हाई कोर्ट ने भी उसमें इंटरवीन किया और उसमें बहुत सारे चीज़ें सामने आई है। लेकिन जिस तरह से इसराइल के अंदर मुस्लिम घरों को मस्मार करके एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनाया गया, मुसलमानों की शनाख्त, मुसलमानों की हिस्ट्री इसराइल में ख़त्म की जा रही है, बेन गुरियन उस एयरपोर्ट का नाम है, उसी तर्ज पर जो है हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद को मस्मार किया गया और उसकी जगह पर राम मंदिर तामीर की गई है, ताकि मुसलमानों की शनाख्त को जो है ख़त्म किया जाए, मुसलमानों की आइडेंटिटी को और उनके जो है वजूद को यहाँ से ख़त्म किया जाए। इसके अलावा मॉब लिंचिंग के हवाले से भी हमने बात सुनी है कि दिन ब दिन मॉब लिंचिंग के वाकियात जो है बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो लोग मॉब लिंचिंग में शामिल है, जो बाकायदा इसको फ़खरिया पेशकश के तौर पर पेश कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि किसी भी मॉब लिंचर्स की, जिसने मॉब लिंच करके मारा है, उसके घर को जो है मस्मार किया गया हो। तो बिल्कुल यकतरफा जो है ये कार्रवाई हो रही है और सीधा सीधा जो है मुसलमान और जो है अदर माइनॉरिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमान इसका जो है निशाना है। मीरा रोड के अंदर अभी जो कुछ हुआ है और मोहम्मद अली रोड के ऊपर जो कुछ बुलडोज़र का जो वाकया हुआ है, हम ये समझते हैं कि अब तो सिर्फ वो इल्लीगल जो है कुछ चीज़ें तोड़ी गई है, ये छज्जे उड़ा दिए गए हैं और दुकानें उड़ा दी गई है या दुकानों का कुछ हिस्सा जो है मस्मार कर दिया गया है, लेकिन जब ये वबा फैलती है और इस पर जो है एहतजाज नहीं होता, इस पर रोक नहीं लगती, तो ये वबा जो है यूपी से चलकर बम्बई आ गई है और बम्बई से जो है बढ़ करके दुकानों से जो है दाखिल होकर घुस करके जो है घरों तक के दाखिल हो सकती है। तो इसको रोकना, इस पर एहतजाज करना, इस पर जो है आवाज़ बुलंद करना, ये हम आपका जो है हमारा और आपका जो है बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। पिछले दिनों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अरेस्ट किया गया और उसके ऊपर जो वावेला मचा है और क्या कहा उन्होंने, क्या नहीं किया, वो सब कुछ आप जानते हैं। बिल्कुल दूसरे दिन बीएमसी ने एक नोटिस जारी किया और मुफ्ती सलमान ने जो अपने रहने के लिए घर खरीदा था, जहां वो मदरसा बनाना चाहते थे विक्रोली पार्क साइड के अंदर, बीएमसी ने नोटिस जारी किया कि अगर आपने हमारे को कागजात नहीं बताए तो हम जो है इस पूरे के पूरे जो है ढांचे को जो है मस्मार कर देंगे। और जब ये बात
नोटिस मिला है मुफ्ती सलमान अजहरी के घर वालों को, तो आपको सुन के हैरत होगी कि ये भी अलमिया हो रहा है भारत के अंदर कि मुफ्ती सलमान के घर वालों ने खुद जाके अपना घर मसमार किया। इससे पहले कि वो लोग आए, हम अपने हाथ से जो मसमार कर देते हैं, उनके लोगों ने मसमार कर दिया, बुलडोज कर दिया, डिमोलिश कर दिया। तो अजीज सामाइन, ये कुछ वाकियात थे जो आपके सामने मैंने रखे। बहुत सारे वाकियात हैं जो आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे मेहमानान जो है आपके सामने रखेंगे। मैं मुख्तसर यही कहना चाहता हूँ कि एडवोकेट शाहिद आज़मी के हवाले से आखिर में दो तीन बातें, ये क्योंकि जो लोग आते हैं वो ये पूछते हैं कि उनके केस का क्या हुआ, तो ये भी सुन लीजिए। पिछले 13 सालों से कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर ये ट्रायल चल रहा है। जो 5 लोग गिरफ्तार हुए थे, पहले एक को डिस्चार्ज दे दिया गया, जो 4 लोग जेल में थे यक्के बाद दिगरे उनको बेल आउट कर दिया गया, बेल पर सब बाहर है। 108 विटनेसेस को चार्जशीट के अंदर साइट किया गया था, 23 विटनेसेस का डिपोजिशन कोर्ट के अंदर हो चुका है। अभी मजीद 15 से 20 विटनेसेस को कोर्ट में आना बाकी है, और हाई कोर्ट ने हाल ही में जो है 6 महीने और एक्सटेंड किए हैं कि मजीद 6 महीने आप ले लो और इस ट्रायल को कंक्लूड करो। लेकिन पिछले 12-13 सालों से ट्रायल कंक्लूड नहीं हो रहा है, और जो एक्यूज़ है वो जो है बेल पर आज़ाद है। तो ये जो है उनके केस की जो हालत है, जिन लोगों ने दिन की रोशनी में उनको शहीद किया वो बेल पर बाहर जा चुके हैं। अभी तक जो है शाहिद आज़मी की रूह को जो है इस एतबार से इंसाफ नहीं मिला है। तो मैं आप लोगों का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम में आए, और मैं गुजारिश करता हूँ नाज़िम से कि वो इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम। धूप समुंदर चेहरा है, ये मंजर कितना गहरा है। रोने पर ही अब कैद नहीं, हंसने पर भी पहरा है। मैं आज के मुकर्रर और ऑल इंडिया वहदत इस्लामी हिंद के प्रेसिडेंट जनाब ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब को आवाज़ देता हूं, वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जनाब ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हज़रात, शाहिद आज़मी के इस यादगार दिन के हवाले से, जो कि उन्होंने अपनी जान एक ऐसे कॉज के लिए दी है, हम सब जमा हैं और ताज़ियत भी इस हवाले से पेश करते हैं कि जो काम उन्होंने शुरू किया था, उस काम को कम से कम याद करने की जो है एक रस्म हमने बाकी रखी है कि नाइंसाफियों के ख़िलाफ़ अमलन जद्दोजहद करने का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया था, कम से कम हम उसको याद करने की हद तक तो जमा हुए हैं। शाहिद आज़मी के इस हवाले से, इस ताज़ियती पैगाम के साथ जो आज का मौजू है उस पर मैं अपनी बात कुछ रखना चाहता हूँ, गो के जो डिग्नेटरीज़ हैं यहाँ पर गुफ्तगू के लिए आए हैं। जो लोग यहाँ पर इस मौजू पे गुफ्तगू के लिए आए हैं मुझसे ज़्यादा जानते हैं, और उनका नुक्ते नज़र भी मुझसे अलग भी हो सकता है, लेकिन मैं आपके सामने यहाँ पर ये चीज़ रखना चाहता हूँ कि जो वेलफेयर स्टेट होती है, जो हुकूमत अमन व अमान के साथ चलती है या चलाई जानी चाहिए, उसके कुछ ज़रूरी नॉर्म्स होते हैं। अगर वो अपने नॉर्म्स को भूल जाती है या कसदन उसे याद नहीं करती है, जानबूझकर उसको वायलेट करती है, तो ऐसी किसी भी हुकूमत को वेलफेयर गवर्नमेंट नहीं कहा जा सकता। अमन व अमान का रिश्ता, पीसफुल सिचुएशन का रिश्ता हम सब जानते हैं कि इंसाफ से है,
अगर सोसाइटी को इंसाफ मिलता है, अदल की कोई रमक बाकी रहती है कहीं, तो अमन व अमान है, लॉ एंड ऑर्डर या रूल ऑफ लॉ जिसको कहते हैं वो बाकी रहता है। लेकिन जहाँ जानबूझकर ये एक्सरसाइज की जाती हो कि कौन चैम्पियन बनना चाहता है और कौन ये श्रेय लेना चाहता है, किसके पगड़ी में ये तुर्रा लगना चाहता है, उस कंपटीशन में जो ज़्यादा से ज़्यादा कमाता है और ऐसी वो हरकतें करता है जिसकी वजह से इंसाफ जो है मजरूह होता है, और वो समझता है कि उसके अकाउंट में कुछ तमगे लगेंगे, कुछ वोट बैंक जमा हो जाएगा, या कुछ हुकूमत करने का कुछ और आके मौका मिल जाएगा, तो वो नतीजे में कौम और मिल्लत को नुकसान पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं करता है। जो कंपटीशन है इस दौर के अंदर कि कौन आगे बढ़कर किसको नुकसान पहुंचाता है, कम्युनिटीज़ के अंदर अख्तिलाफ़ होते हैं, माजी में फसाद भी होते रहे हैं और नुकसानात भी उठाते रहे हैं कम्युनिटीज़ के लोग। अगर होम मिनिस्ट्री के रिपोर्ट को मान लिया जाए तो मुसलमानों के मामले में जो कुछ वाक़यात माजी में होते रहे हैं जिसमें मुसलमानों ही का नुकसान होता रहा है, उसको भी मान लिया जाए, लेकिन इतनी बेशर्मी और बेहयाई नहीं थी कि जुल्म और जबर की दास्तान को ओन किया जाता। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, स्टेट स्पॉन्सर्ड चीज़ें जो है नहीं थी। कुछ हालात ख़राब होते रहे, कुछ मामलात ख़राब होते रहे हैं, नुकसान भी हमने उठाया है, लेकिन इस बेशर्मी के साथ कि उसको ओन किया जाता हो, उसको वायरल किया जाता हो और उस पर फख्र किया जाता हो कि चीज़ हमने की है, ये ज़माने का एक नया ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं। बुलडोज़र दास्तान तो बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन शुरुआत जो है जिस नौयत से हुई है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों से जाकर मिलता है। घरों को सीज करना, कर्क करने की जो है कार्रवाई करना और अदालत के ज़रिए से उसको अटैच करना, ऑफिस को नीलाम करना या उसको बुलडोज करना, ये अंग्रेज़ों की भी रिवायत रही है और बाज़ाब्ता कानूनी तौर पर वो किया करते थे। और आज हमारा हाल ये है कि हम उस कानून की भी हैसियत अपने सामने महसूस नहीं करते जिसको खुद हम लोगों ने बनाया है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तमाम चीज़ें रखी जाती। आज तो सज़ा के तौर पर ही सारी चीज़ें अख्तियार की जाती हैं। अभी जो अब्दुल वाहिद शेख ने बात कही है, अभी एक्यूज्ड है, कोई डिसीजन हुआ नहीं है कि फाइनल मुजरिम है, उससे पहले उसको सज़ा दे दी जाती है कि उसके घर वालों को बेघर कर दिया जाता है जिनका कोई कसूर होता नहीं है। सिविल मैटर्स के मामले में जितने भी बुलडोज़र चलाए गए हैं, अगर उसकी पूरा अगर देखा जाए, ख़ास तौर से खरगोन का इलाका, खरौली का इलाका, या ये कि इलाहाबाद के अंदर, कानपुर के अंदर, या लखीमपुर खेरी के अंदर, या ये इस तरफ अगर आप देखेंगे जहांगीरपुरी के अंदर दिल्ली में, या मेवात के नूह के अंदर अगर आप देखेंगे, या ख़ुद मीरा रोड के अंदर, तो एक चीज़ लाई जाती है कि ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ मामलात हैं जिसकी वजह से ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसको तोड़ा जा रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मसला सिविल मैटर्स होता है, नोटिस दी जाती है उसको बाज़ाब्ता हटाने के लिए, खुद हटाने के लिए बात की जाती है कि वो खुद अपने हाथ से हटा ले मामला। लेकिन जो पद्धतियाँ शुरू हुई है कि सिविल मैटर्स को क्रिमिनलाइज किया जाता है और उसको ऐसा शेप दिया जाता है कि उसको सज़ाएं दी जा सके,
अल्लाह तलाक के मसले को देखा आपने, एक सिविल मैटर था, उसके उसको ऐसी हवा बनाई गई, एक मियाँ बीवी के बीच के मसले को एक हवा बनाकर उसको ऐसा शेप दिया गया कि वो बड़ा क्राइम है और उस क्राइम की सज़ा उसको मिलनी चाहिए। वो तलाक जो हुई नहीं है बकौल कानून के, लेकिन उसकी सज़ा वो भुगतता है। एक सिविल मैटर को आपने क्रिमिनल कर दिया और उसका जो शेप दे दिया। यहाँ पर कॉरपोरेशन की इजाज़त है नहीं है, इस मैटर को आपने जज बनकर फैसला कर दिया कि इसको तोड़ देंगे, उस बेघर कर देंगे, और सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरी पूरी आबादी को, कॉलोनी को जो है ज़मीन दोस्त कर देंगे। एक कलेक्टिव पनिशमेंट की तरफ आपने तब वो एक फैसला किया है, जिसको शायद हमारे क्रिमिनल लॉ में कोई जगह नहीं है कि इस तरह से घरों को रेस किया जाए या घरों को तोड़ा जाए। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं या दस्तूर की जो गुहार लगाते हैं, वो खुद या उसको बेहतर समझते हैं, वो खुद इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उसके कुछ उसूल और ज़वाबित को नाफिस किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में और कई क्रिमिनोलॉजी में बात तो लिखी नहीं है कि सज़ा के तौर पे किसी का घर जो है तोड़ दिया जाए और उसके सर से जो है शेल्टर हटा दिया जाए। कोर्ट भी टाइम देता है, मौका देता है, और इस टाइम के बाद वो कोई फैसला करता है। लेकिन सिस्टम हमारा अब ऐसा बना दिया गया है कि किसी मामले में कोई प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया, उसमें कुछ चेहरे नज़र आ गए, उन चेहरों को एक्यूज़ बनाया जाए और उन चेहरों को एक्यूज़ बनाकर उनके घरों को तोड़ दिया जाए। और ये चीज़ जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे सिविलाइज वर्ल्ड ज़्यादा सिविलाइज हो रही है या अनसिविलाइज जो है कारनामे अंजाम दे रही है, और एक दूसरे को देखकर, जाहिर है कि दिल्ली रॉयट के बाद जो 2022 में हुआ था, उसके बाद जो वहाँ के घर तोड़े गए, उसी के पैटर्न के ऊपर जो सब मामला चला, और यूपी को जो है ख़ास तौर से ये एजाज़ हासिल है कि वो इन तमाम मामलात में रहनुमाई कर रहा है कि किस तरह से जो है घर तोड़े जाते हैं। अगर इंटरनेशनल कोई इनके जो है गॉडफादर हैं तो इसराइल की तरफ लोग इशारा करते हैं कि यहाँ भी यही तरीका इख्तियार किया जाता है। इवन गजा के अंदर इस वक्त, गजा के अंदर जबकि 35 से 40 लाख लोगों को मार दिया गया है, यानी एथनिक क्लीनिंग जी गजा, जी 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 35,000 लोगों को जो है मार दिया गया है, जिसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, जिनके आप क्लिप्स देख नहीं सकते। ऐसे बच्चों को जो मार दिया गया है, उनके घरों को जो है बुलडोज कर दिया जा रहा है, बॉम्बिंग ऊपर से हो रही है, नीचे से बुलडोज़र चल रहे हैं, और हॉस्पिटल तक बाकी नहीं रखे गए हैं, और जो सारी दुनिया जिस पर तवज्जो दिला रही है लेकिन कोई जू नहीं रेंगती है। तो सिस्टम, ह्यूमन राइट्स, लोगों का ख्याल करने वाले लोग, अच्छे लोग कहाँ गायब है पता नहीं चलता है। वो किधर ढूंढने से मिलेंगे इसका कोई पता नहीं दे रहा है। जो लोग मजहबी एतबार से करीब थे वो लोग भी, जो कलमा गो थे वो लोग भी ऐसे वक्त में नज़र नहीं आते कि इनके बारे में कोई सवाल खड़ा करे कि इनके बारे में क्या हो रहा है। तो एथनिक क्लीनिंग का जो मामला है उसके साथ बुलडोजर्स की जो राजनीति जो चल रही है उसकी तरफ जो है तवज्जो दिलाना हम समझते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आदमी अपनी ज़ात पर चीज़ों को सह लेता है लेकिन ख़ानदान को बेचा छोड़ देना जो है उसके लिए बड़ा एक ऐसा इम्तिहान होता है जिससे वो गुज़रना अपने आप को बहुत मुश्किल में पाता है। कोई एक्यूज़ है वो वाकई मुजरिम है ये डिसाइड नहीं है। हमारे पास तो सुप्रीम कोर्ट तक के फैसला जब तक ना आए किसी को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास जाने से पहले ही आप किसी को मुजरिम करार देकर उसके घरों को रेस कर देते हैं इस हवाले से कि एक
एक कलेक्टिव पनिशमेंट जो है कम्युनिटी को दिया जा सके और बाद में ये कोई ऐसी हरकत न करे बल इसी में उलझ के रह जाए, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में एक सही बात कहने के लिए और सही आवाज़ उठाने के लिए आप जो है उस जबान को काट रहे हैं, उस गले को काट रहे हैं जो कभी सही बात कहने की पोजीशन में आ सकती है। यानी आप कोई आवाज़ ना उठाएं, कोई बात ना करें। अगर आप देखें कि घर टूट रहा है तो आप बोले नहीं, अगर आप बोलेंगे आपका घर भी जो है उसमें आएगा, उसको भी रेस किया जा सकता है। गोया खौफ और हिरास का एक पूरा एक एटमॉस्फियर पैदा किया जाता है और भय के जो है पूरा एक समा बांधा जाता है जिसके अंदर लोगों की करने की क्षमता जो है उसको जो है ख़त्म किया जाता है। और ज़ाहिर है कि ये चीज़ जो है हमारे नज़दीक बहुत तश्वीशनाक है कि वो लोग जो कि किसी प्रोटेस्ट में अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, कहीं वो अपनी सही बात कहना चाहते हैं, उनकी बात को सही और गलत फ़ैसला होने से पहले उसके अंजाम तक पहुंचाया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, जिसमें ये घरों को रेस करना भी है। ये बात भी हमारे इल्म है कि 1979 में जो 44 जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था उसमें जो है प्रॉपर्टीज़ को और घर की छत को फंडामेंटल राइट्स में शुमार किया गया है। जिस तरह खाना पीना एक इंसान के लिए ज़रूरी है, उस तरह उसकी छत भी ज़रूरी है और इस छत को शामिल किया गया। उस बाद में कॉरपोरेशन के बहुत सारे लॉज जो है बहुत सारे लॉज बनाकर उसकी इंफॉर्मेशन या उसके बारे में कुछ और अमेंडमेंट किए गए, लेकिन 44 जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें इसको तय किया है 79 में कि जो प्रॉपर्टी का जो हक है वो फंडामेंटल राइट है। अब फंडामेंटल राइट को जब आप उसी तरह वो एजेंसियां जो कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली की बात करती हैं, जो उसको सपोर्ट करने की बात करती हैं, जो उसकी दुआई देती हैं, वही अगर उसके खिलाफ काम करें तो फिर आप किससे गुहार लगाने वाले हैं, किससे इंसाफ की उम्मीद करने वाले हैं और कौन जो है आकर जो है इस मामले में जालिमों का हाथ पकड़ने वाला है। इस हवाले से जो है इस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है। इसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट ने तो और एक अहम बात कही थी 22 के अंदर, उसने कहा कि बुलडोजिंग ऑफ द हाउसेस इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर एनी क्रिमिनल लॉ, इवन एन एजेंसी इज इन्वेस्टिगेटिंग अ वेरी सीरियस मैटर। अगर किसी के मामले में कितना ही खतरनाक मामला अगर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा हो उसके बावजूद भी किसी को हक नहीं है कि उसके घर को तोड़ा जाए। उस हवाले से ये सारे डिसीजंस ये सारे लॉज जो है इसको वायलेट कर जो है अगर कोई ये समझता है कि हम इनको सज़ा दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी गलती है भयानक जो इस मुल्क के अंदर हो रही है और इसको बार बार दोहरा कर वो इस बात का जो है ऐलान कर रहे हैं कि ये समा बहरहाल मज़ीद आगे बढ़ता जाएगा यूँ मालूम होता है। इस हवाले से हमें संजीदगी से इस इशू को टेकअप करना चाहिए कि लोग जो है बेघर ना हो और उनकी छत बाकी रहे और उसके अंदर मकान भी बाकी रहे और मकीन भी बाकी रहे, इन दोनों के बाकी रखने के लिए हमें जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। गो के जो 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 सिस्टम है या जो हालात हैं वो मज़ीद इसमें इजाफा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इंसाफ पसंद हैं, जो उसूल की बात करते हैं, जो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहते हैं, उनका बड़ा काम यह है कि ऐसी तमाम नाइंसाफियों के ख़िलाफ़ वो खड़े होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और आवाज़ को बुलंद करना कम से कम ये आखिरी एक नैरेटिव है जिसके हवाले से हम अपनी बात लोगों के सामने कर सकते हैं। अगर हमने इस मौके पर भी आवाज़ नहीं उठाई और अपने आप को हक कहने से और इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने से अपने आप को रोका तो फिर बहुत सारी ज़्यादतियाँ हैं जो इसकी दामन में छुप कर आएंगी और समाज को नुकसान पहुँचाएंगी। ये जो हमारी इंसानों की बस्तियाँ हैं, ये बस्तियाँ मुमकिन है कि इनके अंदर कुछ कमियाँ खामियाँ कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन उसका इलाज ये नहीं है कि उनके सर से छत को छीन कर उन्हें बेघर कर दिया जाए, ये उसका कोई इलाज नहीं है। और अगर इसको कोई इलाज समझता है
तो उसको अपने दिमाग का इलाज करने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो फतूल और ये गंदगी जो दिमागों में आ गई है कि किसी को बेघर कर कर उसे कोई पनिशमेंट देकर वे समझते हैं कि इनको इनकी इस्लाह और रिफॉर्म हो जाएगा, ये बेहतर रास्ते पे आ जाएंगे, तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी गलती है। हम समझते हैं कि इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और इस मौके पर मुझे यहाँ बुलाया गया और अपनी बात रखने का मौका दिया गया। मैं मशकूर हूँ इनोसेंट नेटवर्क का और स्पेशली एडवोकेट अब्दुल वाई शेख का कि यहाँ मौका दिया गया है कि मैं अपनी बात रख सकूँ। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ क्योंकि हक पसंदों को और सही बात कहने वालों को ये ज़रूरी है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करें और कम से कम यहाँ एक ऐसा रेजोल्यूशन पास हो जिसमें ये बुलडोज़र के ज़रिए से घरों को रेस करने, कारोबार को रेस करने, मजहबी इबादतगाहों को रेस करने, यहाँ तक के जो आर्कोलॉजिकल मोनूमेंट्स हैं हमारे जो सदियों हमारी तारीख को ज़िंदा रख सकते हैं उसको तबाह बर्बाद करने के जो वाक़यात हो रहे हैं, जैसे हल्द्वानी में हुआ है, दिल्ली में हुआ है और बहुत सारी जगह है, ऐसे तमाम वाक़यात को रोकने के लिए वो का जो एक कारामत साबित हो, उस आवाज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है जो इस यानी आज के दिन ख़ास तौर से शायद आज़मी के याद में ये दिन जो हम सब जमा हुए हैं, कम से कम इस आवाज़ को बढ़ाकर हम दुनिया के अंदर इस इंसाफ की बात को कायम करने और इंसाफ के लिए कोशिश करने के लिए जद्दोजहद कर सकें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला शाहिद आज़मी के करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और जो काम उन्होंने अधूरा छोड़ा है उसको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। तीसरे ये कि हम लोगों को जो हक बात और सही बात कहने की हम कोशिश कर रहे हैं, इस हक बात को कहने की हिम्मत और हौसला हमारे अंदर अता फरमाए और जुल्म और ज़्यादती के जितने पर्दे इस सिचुएशन में हमारे सामने आ रहे हैं उसे फाड़ने और उसको तबाह करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। और ख़ास तौर से ये जेनोसाइड की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं जिसमें ऐलानात हो रहे हैं, जिसमें जो फंडामेंटल राइट्स को बर्बाद करने के लिए जो ख़ास तौर से कोशिशें हो रही हैं, इन तमाम के ख़िलाफ़ एक कलेक्टिव स्ट्रगल की जो है हमें तौफीक अता फरमाए ताकि हक़ हक़ हो जाए और बातिल बातिल हो जाए और इसमें जो अमन अमान का पैगाम है वो हम अपनी नज़रों से देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने सुना। बहुत शुक्रिया। जाने क्यों सच बोलने से हम घबराते रहते हैं, बस ख्वाबों के ही महल बनाते रहते हैं, हम अपने जी को यूं बहलाते रहते हैं, बैठे बैठे कागज़ की नाव बनाते रहते हैं। सच बोलिए, हक बात पे लड़िए, जीत आखिर में हक की ही होती है। अब आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर एडवोकेट मारूक आदिनवाला मैडम, मैं इनको आवाज़ देता हूँ, वो अपने ख्यालात का इजहार करें। एडवोकेट मारूक आदिनवाला, थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए। पहली चीज़ जो मुझे बताना है कि शाहिद आज़मी हमेशा न्याय के लिए झगड़ता था, कोर्ट में फाइट करता था, वो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो आज हमें शाहिद आज़मी जैसे बहुत वकील और लोगों की ज़रूरत है जो अन्याय के अगेंस्ट फाइट करने वाले हैं। और अभी जो वाहिद ने बताया कि 13 साल तक उसका केस चल रहा है, तो कभी ना कभी लगता है कि कोर्ट में भी जाते तो कितना समय ये होता है, मगर हमें मालूम है कि जो शाहिद की लड़ाई है वो आगे बढ़ेगी। अभी जब सर ने मुझे इंट्रोड्यूस किया तो उसने बोला मैं एक चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट और चाइल्ड राइट्स लॉयर हूँ, मगर मैं वकील हूँ और मैंने बहुत से साल ये डिमोलिशन जहाँ घर तोड़ते थे उस पे काम किया है। तब हम ये नोटिस करते थे पहले कि हम केस कोर्ट में क्यों ले जाते थे,
एक चीज़ थी कि लोगों को नोटिस मिलती थी, लोगों को एक मौका मिलता था कोर्ट में जाके एक पर्सनल हियरिंग करे या कोई अथॉरिटी के सामने जाके बताए कि वो कितने साल से यहाँ रह रहे हैं। हम जिसको शोकॉज बोलते हैं, शोकॉज दिखाए कि क्यों उसका घर तोड़ना नहीं चाहिए, कैसे उसके पास पुरावा है कि सालों से वो यहाँ रह रहे हैं। तो ये अभी जब हम ये बुलडोज़र जेनोसाइड की बात करते हैं तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि लोगों को ये मौका देना नहीं चाहते हैं। उनको कुछ भी करके ये घर तोड़ना है, उनको ये मौका नहीं दिया जाता है। बोलते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, इलीगल है तो मुझे तो मौका तो देना चाहिए दिखाने के लिए कि ये लीगल है या इलीगल है, मगर ये मौका हमें दे नहीं दे रहे हैं। और तो मेरे को पहले ये कनेक्शन बताना है कि हम बुलडोज़र को जेनोसाइड के साथ क्यों कनेक्ट करते हैं। उसके लिए ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक आदमी की ज़िंदगी में घर क्या वैल्यू होता है। ओके, एक उन लोग घर को क्यों अटैक करना शुरू किया है। हमें समझना है कि घर वो जगह है जहां हमें कंफर्ट मिले, जहां हमें स्टेबिलिटी मिले, जहां हमें सिक्योरिटी मिले। और कहां ना कहां जब वे लोग घर तोड़ते हैं, वे लोग का टारगेट करते हैं हमारी स्टेबिलिटी और हमारी सिक्योरिटी को। तो सिर्फ वो ये चार दीवार नहीं तोड़ रहे हैं, वे बहुत कुछ ज़्यादा तोड़ रहे हैं। और ये ज़्यादा तोड़ रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन हमें मालूम पड़ता है कि घर हक एक मानवीय अधिकार है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको अधिक मानवीय अधिकार माना गया है। हमारे देश में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि घर हक एक मूलभूत अधिकार है। मूलभूत अधिकार कैसे है, क्योंकि उनने बोला कि घर हक इज़ अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच द सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देर इज़ अ वेरी वेरी क्लोज कनेक्शन बिटवीन राइट टू शेल्टर, राइट टू लाइवलीहुड एंड राइट टू लाइफ। और अगर हम राइट टू शेल्टर को एक क्या बोलेंगे वायोलेट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट दूसरे राइट्स पे भी होने वाला है। मोर इम्पॉर्टेंट राइट टू लाइवलीहुड और राइट टू शेल्टर। तो बेसिकली वे लोग ये बता रहे हैं कि आपको ये राइट टू लाइफ आप पे लागू होने वाला नहीं है, वो उनका एक मैसेज जा रहा है। और एक दूसरी चीज़ मुझे बतानी है कि जब किसी के पास घर हो तो वो बहुत से दूसरे उनके अधिकार एंजॉय कर सकते हैं। अगर मेरे पास घर है तो मैं डिसेंट एनवायरनमेंट में रह सकता हूँ। मैं ये नहीं बताता हूँ कि हर एक का घर महल होना चाहिए, मगर हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं, उसको वो सिक्योरिटी है कि मैं एडुकेट हो सकता हूँ, उनको ये सिक्योरिटी है कि उसका हेल्थ को फ़ायदा होएगा, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा। तो मैं क्या बोलती हूँ कि जब हम घर तोड़ते हैं, घर बुलडोज करते हैं, ये सब अलग अलग अधिकार पे बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग, दे आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश योर राइट टू लाइफ, दे आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश, आई मीन दे आर ट्राइंग टू एलिमिनेट योर राइट टू लाइफ, नॉट ओनली बाय एलिमिनेटिंग योर हाउस बट इंश्योरिंग दैट यू डोंट एंजॉय योर अदर राइट्स विच यू आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू। और दूसरी बात, हमारे देश में बहुत से इम्पोर्टेंस देते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। राशन चाहिए तो राशन कार्ड होना चाहिए, वोटिंग करना है तो वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड देना चाहिए। अब ये आधार कार्ड तो एक बहुत बड़ी बात हो गई है, मगर ये सब डॉक्यूमेंट्स पाने के लिए आपको एक घर का एड्रेस देना ज़रूरी है,
अगर आपका घर तोड़ देते हैं, आपके पास घर का एड्रेस नहीं है, तो आप ये सब डॉक्यूमेंट्स कैसे पाने वाले हैं? और मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, आज कोई हमारा इलेक्ट्रल रोल रिवाइज करने को मेरे इलाके में आए, मेरा घर वहाँ नहीं हो, मैं वहाँ से हट गया हो, तो क्या मेरा नाम इलेक्ट्रल रोल से निकाल देंगे? तो ये क्या एक तरीका है हमारा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का उल्लंघन करने के लिए? वो भी एक बहुत बड़ी इधर है। तो मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़, मेरे को मालूम है घर टूटता है, बहुत सा नुकसान होता है, पर प्लीज़ ये जगह छोड़ के जाएंगे, हमको ये जगह के लिए लड़ाई करनी है, ये जगह छोड़ के जाएंगे तो दूसरे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़े होने वाले हैं। नेक्स्ट चीज़ मुझे बतानी है कि इट्स नॉट ओनली योर हाउस एंड दीज राइट्स विच आर डिस्ट्रॉयड, इट्स ऑल्सो योर बिलोंगिंग्स विच आर डिस्ट्रॉयड। हमने आज आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कितने बच्चे लोग जो मदरसा में पढ़ते थे, उन लोग ने बताया हमारे बुक्स ख़त्म हो गए, हमारे घरों में जो कपड़े थे वो ख़त्म हो गए। तो सब आपके जो बिलोंगिंग्स थे, जो आपने बहुत डिफ़िकल्टी से कमा के ये सब खरीद सके थे, वो भी आपका ये सब ख़त्म हो गया है। सो अल्टीमेटली यू आर मार्जिनलाइजिंग अ पर्टिकुलर पर्सन। पहले जब मैं केस करती थी तब मुझे लगता था कि देयर वाज अ पर्टिकुलर क्लास विच वाज बीइंग टारगेटेड। हम देखते थे तो ये बुलडोजर्स हमेशा बस्ती में आते थे, ये एक्सक्यूज़ बनाते थे कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और घर तोड़ते थे और एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट करते थे। अभी हम देखते हैं सिर्फ उनका टारगेट बदला है, पहले क्लास एक टारगेट था, अभी रिलीजन एक टारगेट है। तो What really scares me is the word, जैसे BMC अफसर ने बोला, ये हमारा CM का deep cleaning drive है। अब पहले हमारे सिटी को गरीबों से क्लीन करना चाहते थे, अभी मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आप किसको क्लीन करना चाहते हैं? तो मैं बोलती हूँ ये एक डिज़ाइन है, ये है एक पैटर्न है, तो इससे सचमुच हमके थोड़ा दन्ना है। और जैसे अभी जैसे सर ने अभी बताया, ये ऑल्सो अटेम्प्ट है जिसका टेररइज करने को, कि कभी भी हम आके आपका घर तोड़ सकते, नोटिस देने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो कैन यू इमेजिन द फियर एंड इनसिक्योरिटी विथ विच दीज पीपल आर गोइंग टू लिव, इवन इफ दे रीबिल्ड देयर हाउस, वो रात को सो भी नहीं सकेंगे क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि बुलडोजर कब आने वाला है। एंड अनदर थिंग इज द सिचुएशन इज रियली गोइंग टू वर्सन, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी ये भी डर होता है कि पहले तो मेरे घर में बहुत सुविधाएं थे, पहले तो मेरे घर में बहुत अमेनिटीज थी, अभी हम ये अमेनिटीज और सुविधा में इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है कब ये बुलडोजर आके ये सबको डिस्ट्रॉय कर देने वाले हैं। ओके, तो अभी हम आते हैं ये इश्यू पे। तो आज ये जो टॉपिक है बुलडोजर जेनोसाइड, ये लोग ये रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि पहले जो डिमोलिशन होता था और ये डिमोलिशन में कोई भी फर्क नहीं है। ये लोग जो है उन लोग के पास भी मुसलमान हो सकते हैं, मगर हमने तो उसका घर तोड़ा है क्योंकि उन लोग के पास प्रूफ नहीं है, उन लोग के स्ट्रक्चर्स इलीगल है, इसके लिए हमने उसका घर तोड़ दिया है। तो ये भी बहुत डरावनी बात है, कैसे वो किसी अपना एक्शन को लेजिटिमाइज करते हैं कि हम तो कानूनी तरह चल रहे हैं, आपका आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास पुरावा नहीं है, इसके लिए हम तोड़ते हैं, और हमको डीलेजिटिमाइज कर देते हैं कि आपने जो काम किया वो इल्लीगल है। तो कैसा मैसेजिंग समाज में जाता है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट करते और टारगेट करते हैं ये बताने के कि उनका स्ट्रक्चर इलीगल है, तो कहाँ ना कहाँ आप उसको डीलेजिटिमाइज कर रहे हैं, जैसे हेट स्पीच करता है उसी तरह ये भी हो रहा है। अच्छा, तो मैं बताती हूँ, अच्छा हम इलीगल हैं तो आपने कैसे ये इलीगल प्रोसीजर फॉलो किया,
आप तो सरकार है ना, आप तो सरकार की संगठन है ना, आपको सुप्रीम कोर्ट ने 84 में बोला था कि पेवमेंट में भी घर है तो आपको उसको नोटिस देना चाहिए, हर एक आदमी को नोटिस देना चाहिए जब आप उसके घर उजाड़ते हो, क्योंकि उसको एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि उसको एक हियरिंग मिलना चाहिए, उसको अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करने की परिस्थिति देनी चाहिए। आपने ये टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेरा राइट था वो वायोलेट किया और फिर आप मुझे इलीगल बोल रहे हैं, वो कैसे हो सकता है? तो कहाँ ना कहाँ हमें सबको मिलके ये प्रश्न उठाना चाहिए कि ये घर इलीगल था मगर आपने जो इलीगल प्रोसीजर फॉलो किया उसके बारे में आपको क्या बोलना है। तो वो एक है। दूसरी बात है माहौल क्या था ये करने के पहले, माहौल क्या था एक शाम पहले या दो दिन पहले, माहौल क्या था, कितने लोगों को बोलते थे कम्युनल क्लैशेस के लिए अरेस्ट किए, ओके, कितने लोगों जिसको प्रोवोक किया था, इनफैक्ट इंटरफेथ मैरिज के लिए भी घर तोड़े गए हैं। तो ये क्या क्या कारण के लिए आज अब ये घर तोड़ रहे हैं? इट जस्ट डजंट मेक सेंस, इट जस्ट डजंट मेक सेंस बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नो पर्पस। तो ऑब्वियसली हमारे मन में डाउट आएगा कि द ओनली पर्पस इज यू वांट टू रिमूव अ पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप, आप उनको टारगेट करना चाहते हैं। जब वाई सर ने बोले वन साइडेड अरेस्ट करते हैं, जब भी कम्युनल क्लैश होता है सिर्फ वन ग्रुप को अरेस्ट करता है, ओके, अरेस्ट किया, अभी तो वो लीगल कॉज चलना चाहिए मगर नहीं, आपको उसको फैमिली को भी हैरेस करना है, आपको उसके इलाके में जो रहते हैं उनको हैरेस करना है, आपको ये जाति के लोगों को हैरेस करना है, वो इंडिविजुअल को अक्यूज करके अरेस्ट करना इनफ नहीं है। तो वो एक बहुत डरावनी, और देयर इज यू नो आई डोंट नो, वी रियली हैव टू सिट एंड थिंक व्हाट इज द रीजन, व्हाट वाज द रीजन। इट्स ऑब्वियसली नॉट दैट दे डू नॉट हैव प्रूफ, बिकॉज इफ दे डिड नॉट हैव प्रूफ इफ दे आई मीन यू वुड हैव गिवन देम नोटिस राइट एंड देन यू वुड हैव सेड उनके पास पुरावा नहीं है। सो बेसिकली आई फील इट इज जेनोसाइड बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फिनिश ऑफ अ पर्टिक्यूलर ग्रुप्स राइट टू लाइफ। एज आई सेड हाउ हाउसिंग इज सो फंडामेंटल एंड बेसिक टू राइट टू लाइफ, हाउ अदर राइट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन दिस राइट टू लाइफ, और कैसे आप अगर राइट टू लाइफ आप शेल्टर खत्म करते हैं तो राइट टू लाइफ पे बहुत बड़ा हमला होता है। दूसरी बात है, हमको मालूम है जब कम्युनल रायट्स होते हैं तो दो ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट होता है, मगर यहाँ स्टेट अरेस्ट कौन करता है? स्टेट एंड इट्स एजेंसीज अरेस्ट करता है। ये घर किसने तोड़ा? हम पढ़ते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और कलेक्टर्स ये घर तोड़ रहे हैं। तो कहाँ ना कहाँ ये स्टेट का भी रोल जो हम देखते हैं जेनोसाइड में होता है, नहीं तो जो हो रहा है पैलेस्टीन में कहाँ इतना बढ़ नहीं सकता है, और हमको मालूम है कौन से स्टेट्स का रोल है। तो वहाँ भी हमें देखना है कि स्टेट ये एक डिलिब्रेट सिस्टमैटिक पैटर्न है और कि लोगों को बेघर करे और उसकी लाइफ को अफेक्ट करे, ओके ओके। और जैसे मैंने बोला कि ये फाइट है, ये एक ग्रुप का स्टैंडिंग सोसाइटी में डिलेजिटिमाइज करने के लिए, और कहाँ ना कहाँ हमें इसका बड़ा फाइट देना पड़ेगा। और एक्चुअली इट्स यू नो व्हाट्स ऑलवेज बीन गोइंग ऑन, टू टेररिज पीपल, टू टेररिज पीपल, टू साइलेंस पीपल, क्योंकि अगर उसके कनेक्टेड कुछ मुद्दा उठे हम डरेंगे कि हम आवाज़ उठाएंगे तो मेरा घर और मेरा परिवार को नुकसान होने वाला है। पहले तो मुझे अरेस्ट करके बंद करने करते थे, अभी मेरा सारा परिवार को प्रॉब्लम हो जाने वाला है, सो आई बेटर कीप क्वाइट। सो अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन्स एंड यू नो यूजिंग वर्ड्स स्टैंडिंग, कैसे घर तोड़ते हैं फिर बोलते हैं अरे वो तो एंटी नेशनल था, अरे उसने तो गैर कानूनी घर बनाया था, ये सब बोल के
करते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि कहाँ हमें आवाज़ उठाना है कि प्लीज़ डोंट एक्सेप्ट द करंट डिमोलिशंस विच टुक प्लेस इन मीरा रोड, मोहम्मद अली रोड, जहाँ दुकानों को भी तोड़ी अंडर द गाइज ऑफ दैट इट वॉज एन इलीगल कंस्ट्रक्शन, इट वॉज एन एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। हमें हर एक चीज़ जो होती है, हमें एक चीज़ करना है, हमें रिकग्नाइज करना है उसका सही कॉज क्या है। तो हमें सच में बैठ के चर्चा करनी है कि इसका सही कॉज क्या, इज इट अ प्लेन सिंपल डिमोलिशन विच एनी वे इज हॉरिबल, क्योंकि मैंने बोला पहले एक क्लास को टारगेट करते थे, अभी एक रिलीजन को टारगेट करता है। नेक्स्ट थिंग हमें ये करना है कि अ पर्टिकुलर ग्रुप हैज़ अ पर्टिकुलर एजेंडा, और उसको एजेंडा अपना आगे करने के लिए सरकार और उसकी एजेंसीज की मदद लेते हैं। हमें हमारा नैरेटिव क्रिएट करना है और हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हेल्प लेना है, क्योंकि तो ही हम दिखा सकेंगे कि ये जो हो रहा है वो गलत है। एंड यू आर डिस्ट्रॉइंग, बाय डिस्ट्रॉइंग अ हाउस यू आर डिस्ट्रॉइंग अ पर्सन्स लाइवलीहुड, यू आर डिस्ट्रॉइंग अ पर्सन्स लाइफ, एंड इफ यू डोंट कॉल इट, ऑफकोर्स आई एम सेइंग it is maybe the it's not the first time a particular group has been targeted. Maybe some people will say you cannot use a stronger word as genocide, but something is happening and a particular group is being targeted, and the only hope we have just now is try to pull a country back on the constitution path. Thank you. मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को बताया कि ये एक राइट्स के वायलेशन के साथ साथ उसके साथ कई राइट्स हमारे जो हैं वायलेट हो जाते हैं, और वाकई में इस तरह का देखा जाए, उन्होंने एग्जांपल के साथ बताया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, और लोगों के जहन को आपने झिंझोड़ दिया है। अब इस बात से बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब से पहले जो कातिल थे वो बहुत अच्छे थे, कत्ल से पहले वो पानी तो पिलाते थे। बहर कैफ इतना है कि हमको इसका तसलसल इन्होंने बताया कि वायोलेशन ऑफ राइट्स एक के बाद एक या के बाद मल्टीपल जो राइट्स हमारे वायोलेट हो जाते हैं बुलडोजर जेनोसाइड से, बहुत अच्छे तरीके से हमारे जहन को इन्होंने खोला है। इसके बाद मैं आज के जो हमारे मेहमान हैं, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी फॉर सेकुलरिज्म और दलित राइट्स के एक्टिविस्ट रिफॉर्मर जनाब इरफान इंजीनियर साहब को आवाज़ देता हूं, अपने ख्यालात का इजहार करें। इरफान इंजीनियर साहब, शुक्रिया नसीम साहब। हजरात, सबसे पहले मैं इनोसेंस नेटवर्क का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 7 साल तक ये मेमोरियल लेक्चर्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए शाहिद आज़मी के मेमोरी में, और मुझे उसमें बोलने के लिए बुलाया। मैं एक अदना सा व्यक्ति, इंसान, इतने बड़े मौके पर बोलने के लिए मुझे बुलाया गया है तो एक नर्वसनेस भी फील होता है और एक जिम्मेदारी भी लग रही है। सबसे पहले बुलडोज़र का, मैं आज 2006 में जब वेस्ट बैंक पैलेस्टाइन गया था, वहाँ मैंने बुलडोज़र का इस्तेमाल देखा था कि कैसे, तब हिंदुस्तान में हम लोग तो वो तस्वूर भी नहीं कर सकते थे कि इस तरीके से बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो अब हमारी देश में भी आ गया। पैलेस्टाइन में जो बुलडोज़र का उपयोग करता है किया जाता है वो एक अलग मकसद से किया जाता है, वो इससे भी भयानक है, उसका मकसद इससे भी भयानक है। अगर ये बारिश का पानी अंदर आ रहा है खिड़की के अंदर और आप छज्जा बांधना है
बिना परमिशन का छज्जा बांध दिया एक छोटा सा, तो आपकी पूरी बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी। छज्जा नहीं, वो फ्लैट नहीं, पूरी बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी। मैंने वो टूटी हुई बिल्डिंगें देखी। उनको जाकर पूछा, भाई आपने छज्जे की परमिशन क्यों नहीं ली? तो उन्होंने कहा वो आने वाले 50 साल में भी मिलने वाली नहीं थी, और कोई चारा नहीं था, बारिश का पानी आ रहा था। और सिर्फ बिल्डिंग जमीन दोस्त कर देते हैं उतना ही नहीं, उस पर आप फिर दोबारा प्लान पास करवा कर भी बिल्डिंग नहीं बना सकते, अपना घर नहीं बना सकते, वो जमीन आपकी रही नहीं। पैलेस्टाइन का जो पर्पस है, बुलडोजर का इस्तेमाल वो करते हैं, जेसीबी का इस्तेमाल जो करते हैं, उनको जगह लैंड कैप्चर करना है। और हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल एक कलेक्टिव पनिशमेंट के तौर पर शुरू हुआ कि हमको उस जुर्म के लिए इल्लीगल कुछ है उसके लिए तो जाने दो, उसके लिए नहीं तोड़ रहे हैं हम। जिसने जुर्म किया उसको भी नहीं तोड़ रहे हैं, उसको सजा देने के लिए भी नहीं तोड़ रहे हैं, ये भी तसव्वुर नहीं है उसका। उसका तसव्वुर है आप जिस कम्युनिटी से आते हो उस पूरी कम्युनिटी को हम सजा देंगे, क्योंकि उस कम्युनिटी का हर एक मेंबर जिम्मेदार है और उस हर एक मेंबर का घर, उसके राइट्स, उसके अधिकार खतरे में है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट। मैं उसके एग्जांपल्स आपको दूंगा, क्योंकि हम लोग दंगों की तहकीकात करते हैं। खरगोन गए, अभी मीरा रोड जाकर आए कल, बहुत सारे जहाँ जहाँ ये बुलडोजर, हम दंगों की तहकीकात करने के लिए जाते हैं, जिसमें एक ये बुलडोजर का ये जो डेमोलिशन है इसके उदाहरण भी हमारे सामने आते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने देता हूँ कि ये कैसे सजा देने के लिए नहीं है, मुजरिम को सजा देने के लिए नहीं है, वो भी इलीगल है। जैसे मारूख ने बताया कि अगर सजा देने के लिए भी आप तोड़ते हैं वो भी इलीगल है, पर वो सजा देने के लिए नहीं है। उसके मैं आपको दो तीन उदाहरण दूंगा जिससे आपको ये बराबर समझ में आएगा कि ये सजा देने के, ये कलेक्टिव पनिशमेंट का एक फॉर्म है। उज्जैन में एक प्रोसेशन, धार्मिक प्रोसेशन निकलता है, जो शोभा यात्रा जिसको कहते हैं, वो शोभा यात्रा निकलती है। अच्छा, वो ट्रेडिशनल भी नहीं है, वो निकलती है मुस्लिम इलाकों से, एक बार जाती है, दो बार जाती है, तीन बार जाती है, दंगे नहीं होते, और गालियां देते हुए जाती है। गालियां भी क्या थी, उनका जो स्लोगन था रिलीजियस नहीं था, पॉलिटिकल के आगे, पॉलिटिकल था, पॉलिटिकल के आगे भी गालियां थी। उनका स्लोगन था उज्जैन में, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। उनका स्लोगन था बच्चा बच्चा राम का, चच्चियों के काम का। अब चाची किसको बोलते हैं, किस कम्युनिटी के औरतों को चाची बोलते हैं, ये आप समझ लो। और वो राम का बच्चा चच्चियों के किस काम का, इसका तस्वीर आप कर लो, आगे इस पर बोलने की जरूरत। लेकिन ऐसे गंदे अपशब्द इस्तेमाल करते हुए एक बार पास हुआ, दो बार पास हुआ, तीसरी बार पास हुआ, किसी ना किसी का अपक होया और घर से पत्थर आया। अब ये लोग, मुस्लिम कम्युनिटी पत्थर फेंकती है, वहाँ से पूरा नरेटिव शुरू करते हैं, उसके आगे नहीं जाते, उसके पहले नहीं जाते कि क्या हुआ कि पत्थर फेंके। और यही चालाकी है, क्योंकि मीडिया उनके साथ है, सब कुछ उनके साथ। अच्छा ठीक है, पत्थर फेंके, आपने घर तोड़ा, जिस छत से आया। और नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने इसको बढ़ा चढ़ा कर कहा
कि जिस घर से पत्थर आएंगे उसी को पत्थर का ढेर कर दिया जाएगा, और ये बुलडोज़र की निशानी थी, ये बुलडोज़र के तरफ इशारा था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जाकर उसको तोड़े, उसका जस्टिफिकेशन था। जिस घर से पत्थर आएंगे, ये नहीं बोल रहे हैं कि इलीगल है, नरोत्तम मिश्रा ने ये नहीं कहा कि जो घर इलीगल है उसको तोड़ा जाएगा, और ये होम मिनिस्टर बोल रहे हैं, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर नहीं बोल रहे, होम मिनिस्टर जिसके अंदर पुलिस है, जिसको राइड को कंट्रोल करना है, वो बोल रहे हैं कि जहाँ से पत्थर आएंगे उसी को पत्थर का ढेर किया जाए। ठीक है, जहाँ से पत्थर आए उस घर को आपने तोड़ा। एक ऐसा वाक्या हुआ उसमें कि हिंदू घर मालक मुस्लिम भाड़ूत्री, अब मुस्लिम भाड़ूत्री ने पत्थर फेंका, बुलडोजर वहां पहुंच गया, किसी ने कहा चिल्लाकर अरे ये तो हिंदू का घर है क्या करें, बाजू वाले मुसलमान का घर तोड़ दिया, बाजू वाले मुसलमान का घर तोड़ दिया। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट, उनको इलीगल से कुछ लेना देना नहीं है, मुजरिम को सजा देने से कुछ लेना देना नहीं है, वो मुजरिम है या नहीं है इस पर हम बहस कर सकते हैं, वो शायद मुजरिम नहीं भी है, लेकिन आपने जिसको मुजरिम कहा उसका भी घर नहीं तोड़ रहे, बाजू वाले का घर तोड़ रहे। इट्स अ फॉर्म ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट। उज्जैन की ही दूसरी बात कि वहाँ फिर एक धार्मिक प्रोसेशन जा रहा था अगले साल, और किसी एक बच्चे ने कंप्लेंट कर दी उस धार्मिक प्रोसेशन में, मुझे लगता है ऊपर छत से किसी ने थूका मुझ पर, उस प्रोसेशन पर हम पर थूका। इस कंप्लेंट पर बुलडोजर पहुंच गया। अच्छा, वो खाली बुलडोजर नहीं, बैंड बाजा लेकर बुलडोजर पहुंचा, ड्रम, उसको बताते हुए, उसको सेलिब्रेट करते हुए कि हम क्या कर सकते हैं, आपकी क्या हालत कर सकते हैं। इट इज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव फॉर्म ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट। खरगोन में हम लोग गए, और खरगोन में शायद उनका नाम अब्दुल्ला भाई है, मुझे नाम ठीक से याद नहीं है, लेकिन शायद अब्दुल्ला भाई, मुझे नोट्स रिफ़र करना पड़ेंगे, उनसे मिले। उनका घर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहाँ राइड्स हुए, उनका बिजनेस, एक्चुअली उनका बिजनेस वो करीब 2 किलोमीटर दूर था जहाँ राइड हुए, और आप गलियों से निकलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में बता रहा हूँ, गली आपको गली वगैरह से निकलना पड़ेगा तो इवन लॉन्गर, और भी लंबा। वो अपने बिजनेस के स्थान पर थे, वहीं पर थे, पत्थर का कोई सवाल नहीं, अपने वहाँ से वो पत्थर फेंकेंगे तो वो उस जगह पर पहुँचेगा भी नहीं, किसी और की कंप्लेंट नहीं थी कि भाई वो पत्थर इन्होंने फेंका और हम पर बीच में, उनका घर तोड़ दिया जिसका दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है, हो ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे घर तोड़े हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अभी एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें दिल्ली, आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 स्टेट में अप्रैल से जून 2022 इस पीरियड में 128 घर तोड़े हैं। और ये जो उन्होंने तोड़ा है जिसमें घर शामिल है, उनके बिजनेस और लाइवलीहुड शामिल है, और उनके इबादतगाह शामिल है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, इन 3 को सिस्टमैटिकली टारगेट किया है 5 स्टेट में 3 महीने में 128 वारदात। ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त, लेकिन इस पर कोई आवाज़ नहीं उठती। इनफैक्ट बुलडोजर बाबा को री इलेक्ट किया जाता है। इस पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है। हम यहाँ चिल्लाते रहेंगे कि वो बंद करो, तो उसे बंद नहीं होने वाला है। इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि क्यों इस मुल्क में
एक ऐसी हवा बनी है। और अगर आम ऑर्डिनरीली आप किसी का घर बुलडोजर से तोड़ोगे तो जिसका घर टूट रहा है उसके तरफ आपकी सहानुभूति होगी। वो जब बुलडोजर हॉकर्स को हटाने आते हैं या म्यूनसिपालिटी की गाड़ी आती है उनको परेशान करती है, वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, देखते हैं, कोई खुश नहीं होता, सबके मन में ये दुख होता है, अरे बेचारे गरीब का, लीगल इलीगल वो बीच में उस पचड़े में पड़ता नहीं है, लेकिन भावना ऐसी होती है कि अरे बेचारे का घर टूट गया, क्या हम बेचारा उसका जीवन बर्बाद हो गया, या आज की कमाई वो आज भूखा सोएगा, एक सिंपैथी होती है, एक सहानुभूति होती है। लेकिन इतने सारे घर तोड़ने का, इस तरीके से बुलडोजर इस्तेमाल करने के बावजूद एक ऐसा माहौल है कि सपोर्टिव बुलडोजर बाबा रीइलेक्ट हो गए और दूसरे भी उसको कॉपी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, आसाम, आसाम ने तो जंगलों से रात को 12 बजे नोटिस दी और सुबह 6 बजे तोड़ने की कार्यवाही शुरू, यानी नोटिस देने का एक एक रस्म अदा की, बिल्कुल यानी 12 बजे आदमी अपना अपने सारे सामान भी नहीं निकाल पाएगा, सोच भी नहीं पाएंगे कि क्या करें, इसको रिस्पॉन्ड कैसे करें, बाकी तो छोड़ो और इसको रिस्पॉन्ड कैसे करें वो बिल्कुल सोच ही नहीं पाएगा। और दूसरे दिन सुबह 6 बजे बुलडोजर पहुंच गए और वो मंजर आपको याद होगा जहाँ किसी एक ने उस डेमोलिशन स्क्वाड पर एक पत्थर फेंका और उसको गोलियों से भून दिया और उसकी लाश पर एक फोटोग्राफर नाच रहा है। ये मंजर अगर आपने देखा होगा, याद होगा, तो क्यों ऐसा वातावरण बन रहा है, मेजॉरिटी में इस तरीके का वातावरण क्यों है, व्हाई आर दे सेलिब्रेटिंग, ये सवाल है। क्योंकि इसके साथ जो आए दिन जहर अफसानी होती है, हेट स्पीचेस होती है, जहां मुसलमानों को कीड़े मकोड़ों की तरह पेश किया जाता है कि कैसे इस मुल्क उनका जीना, उनका इस मुल्क में रहना कैसे हमारे लिए खतरा है, सारे हिंदुओं के लिए, और लोग कन्विंस भी होते हैं, लोगों के दिलों में ये नफ़रत आ भी जाती है। जब तक इस नफ़रत को आप एड्रेस नहीं करेंगे तब तक बुलडोज़र रुकने वाला नहीं है। आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट कुछ नहीं करने वाला है, वो तारीख पे तारीख देगा, 10 साल 20 साल केस मामला चलता रहेगा और कुछ नहीं होगा। और आजकल तो लोग मुसलमान जाते भी नहीं है कोर्ट पे, क्या फ़ायदा, खाली पैसे बर्बाद होंगे, न्याय तो कुछ मिलना नहीं है। मैं कल हम लोग बीरा रोड जा रहे थे तो रास्ते में, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ एक्टिविस्ट हम लोग साथ में जा रहे थे तो यही बहस चल रही थी कि अब कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ो तो रास्ता क्या है, पत्थर, वो तो चाहते हैं कि आप पत्थर फेंकें। हम लोग कोडरमा में जो प्रोसेशन निकला रामनवमी का, अच्छा जो ट्रेडिशनल प्रोसेशन है वो पीसफुली निकल जाता है, जो हर साल बहुत सालों से जो लोग ऑर्गेनाइज करते, जो मंडल ऑर्गेनाइज करता है, जो पीसफुली प्रोसेशन निकल गया उसकी बात मीडिया नहीं करता। कोडरमा जो झारखंड में है, अगर आपको यह है कि कहाँ है तो मैं उसका एक रेफरेंस बता दूं कि कोडरमा कहाँ है। मुझे भी बहुत हंसी आई थी जब रांची से कोडरमा जा रहा था तो बीच में एक जगह आई झुमरी तलैया, मुझे पहली बार लगा कि अच्छा झुमरी तलैया रियलिटी में है, खाली रेडियो पे अनाउंस नहीं हो रहा था। तो झुमरी तलैया के आगे वहाँ कोडरमा गया तो ये जो ट्रेडिशनल प्रोसेशन है वो पीसफुली निकल गया, उसमें कोई मुसलमान चाय वाय भी पिलाते हैं या कुछ शरबत वरबत का भी इंतज़ाम करते हैं, एक शहरी के नाते, धार्मिक इसके नहीं, भाईचारे के नाते, भाई बहन चारे के नाते, शहरी के नाते वो पीसफुली पास हो जाता है। कोडरमा के रामनवमी जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ऑर्गेनाइज करते हैं, जो प्रोसेशन, शौर्य यात्रा, शोभा यात्रा वगैरह इस तरीके के नाम वो देते हैं, उसमें
पॉलिटिकल स्लोगन्स और गंदी गालियाँ, लेकिन कोडरमा के इसने तो हद कर दी। वो रामनवमी प्रोसेशन के बाद वो सारे नौजवान बहुत गर्दी, उसको मैंने जब तक वीडियो पे नहीं देखा तब तक मुझे विश्वास नहीं आया, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। वो नौजवान नाच नाच कर माँ बहन की गालियाँ, मुसलमान आई कांट स्पीक दिस, इस सभा में मैं बोल नहीं सकता, लेकिन माँ बहन की गालियाँ, मुसलमान डैश 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 मुसलमान, ऐसा एक्साइट होकर चिल्ला, वो बहुत खुश हो रहे हैं वो गालियाँ देकर। उन पर केस भी हुआ, केस हुआ। ये बात मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ कि ये कोई सुनी सुनाई बात या सिर्फ वीडियो में रह गई ऐसी बात नहीं है, जिसकी FIR भी हुई। पर उसको जिस तरीके से कंडेम करना चाहिए था पूरे हिंदू समाज ने, उस तरीके से कंडेम नहीं हुआ। तो मेरा सवाल बार बार ये है कि ये बुलडोज़र न्याय, बुलडोज़र जस्टिस, जिसको वो हिंदू या दूसरी कौम बुलडोज़र जस्टिस समझते हैं, वो बुलडोज़र जस्टिस तो है ही नहीं, जस्टिस हो ही नहीं सकता बुलडोज़र से, लेकिन इसके फेवर में इतना वातावरण, पॉलिटिकल सोशल वातावरण क्यों है? जब सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया, दिल्ली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि एक जो नरेटिव पूरी सोसाइटी में आम है और एक पॉपुलर एक्शन है जो शायद लीगल एक्शन नहीं है, उस पर दुख से कहना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी लंबे चौड़े प्रोसीजर पास कर दिया कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन स्टे नहीं दिया। सो व्हाई दिस पॉपुलैरिटी ऑफ कोट अनकोट बुलडोजर जस्टिस, हेटरेड, द नरेटिव ऑफ हेटरेड, जो जहर अफसानी आए दिन होती रहती है पार्लियामेंट में। अगर रमेश बिधूरी खड़े होकर कठुआ टेररिस्ट ऐसे एक सारे मुसलमानों के लिए तो छोड़ दो, अपने एक मुस्लिम MP पर इस तरीके से जब, और उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। आज हम लोग हेट स्पीचेस की भी मॉनिटरिंग करते हैं कि वो हेट स्पीचेस 2014 के बाद इस मात्रा में बढ़ी है, इस स्केल में बढ़ी है कि एक तो फ्रीक्वेंसी आए दिन हेट स्पीच कहीं ना कहीं चल रही है, और कौन, आम पब्लिक, पब्लिक में से तो लोग एक्सप्रेस करते ही हैं और वो सोशल मीडिया पे हम बहुत सारे वो देखते ही हैं, लेकिन हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स विच इंक्लूड्स सटल सजेशन बाय प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, सेंट्रल मिनिस्टर्स, MPs, जब ये लोग हेट स्पीच, मैं एक एग्जांपल दूं, यूनियन मिनिस्टर निरंजन ज्योति ने कहा इलेक्शन कैंपेन में कि इस मुल्क में दो ही किस्म के आदमी रहते हैं, या तो आप रामजादे हैं या आप हरामजादे हैं। क्या लैंग्वेज मिनिस्टर की! और जब एक कंपटीशन होती है कि हम जितनी कड़वी और जितनी गंदी बात करें उसको उतना प्रमोशन मिले पार्टी में, एक्शन तो जाने दो, वो बिलीव करते हो या ना करते हो, हाउ टू स्टॉप दिस? जब तक आप ये जहर अफसानी बंद नहीं करेंगे, और कहीं मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को भी अपने अंदर झांक के देखने की ज़रूरत है। आपको अगर आप जैसे वो पूरे नैरेटिव की शुरुआत पत्थर आया वहाँ से करते हैं, आप भी सिर्फ बुलडोजर चला वहाँ से शुरुआत करेंगे, थोड़ा पीछे जाना होगा सर। इस कम्युनिटी से क्या क्या हम लोगों ने क्या क्या कहाँ कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को ठुकराया, या कहाँ कहाँ ये स्टैंड लिया कि हम, हमारा कानून, हमारा कल्चर, हमारा बिलीफ, हमारा रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। अगर आप ये स्टैंड लेंगे तो फिर इनका भी एक्शन जायज़ है। वो समझ रहे हैं हमारा रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। आज पूरे मुल्क में ऐसा हो रहा है, एंड आई एंड हियर, आई होप आई हैव नॉट
मैंने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया, पर आज हमारे मुल्क में एक अलग चित्र दिख रहा है. एंड आई एंड हियर. एक मुस्लिम्स आर बीइंग टॉट द लेसन्स ऑफ टॉलरेंस एंड हिंदूज आर बिकमिंग मोर एंड मोर इनटॉलरेंट. पहले 80 में चित्र कुछ उल्टा था कि हर बात बात पर रास्ते में आ जाते थे, शाह बानो का हो या बाबरी मस्जिद का हो, बात बात पर रास्ते में आ जाते थे. अब उल्टा है कि मुस्लिम्स आर डेमोन्स्ट्रेटिंग मोर एंड मोर टॉलरेंस एंड हिंदूज आर बिकमिंग मोर एंड मोर इनटॉलरेंट. दूसरा, अब 26 जनवरी का नज़ारा अगर आपने देखा हो तो हिंदू घरों पर भगवा लगा था और मुस्लिम घरों पर तिरंगा लगा था. हमारे दर्द में जब हम कहते हैं हम पर ये जुल्म हुआ, हम ये नुकसान उठा रहे हैं वगैरह वगैरह, जब हम की भाषा करते हैं, हमारे हम में मेरा सवाल है कौन है? सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी है या हर वो ऑप्रेस्ड है, वो चाहे दलित हो, ओबीसी हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, इस मुल्क का हर मजलूम हमारे हम में शामिल है क्या? नहीं तो हम माइनॉरिटी रहेंगे, नहीं तो हम 14% 14 के 15 हो जाएंगे, 15 के शायद 16 होंगे 200 मिलियन. बट दैट्स दी एंड, उसे आगे जाने वाले नहीं है. और ये 200 मिलियन को भी बांट कर शिया सुन्नी देवबंदी वगैरह वगैरह इस अलग अलग खेमों में बांट कर हमको हम, यानी मेरा भी हम, मैं किसको हम बोल रहा हूँ, ये कि हमको कमज़ोर किया जा रहा है. हमारा हम बड़ा होना चाहिए टू अ नेटवर्क ऑफ मेजॉरिटी. दी ऑप्रेस्ड आर मेजॉरिटी इन दिस कंट्री. क्या हमारे हम में वो शामिल है? क्या उनके दुख में हम बोलने जाते हैं, शामिल होते हैं? उनके हकों के लिए हम उसी बुलंदी से लड़ते हैं, उनका दर्द भी क्या उसी तरह महसूस करते हैं? जिस दिन ये महसूस करेंगे तब हम ये बुलडोजर, और जैसे मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स में इंटरेक्शन बढ़ेगा और नॉन मुस्लिम्स को जो मुसलमानों का एक चित्र दिया जाता है कि वो जुल्म करने वाले हैं, देश को बर्बाद करने वाले हैं, टेररिस्ट हैं, गुंडे हैं, फलाना है, ढीकना है, अपनी औरतों को बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, ट्रिपल तलाक से ये कर देते हैं, और हमको उनको सुधारना पड़ेगा, तब तक ये चित्र बदलने वाला नहीं है. वो ये नैरेटिव चलता रहेगा और वो मानते रहेंगे, लेकिन हमारे डे टू डे इंटरेक्शन में अगर हम दूसरे ऑप्रेस्ड के साथ मिलकर कदम ताल कर उनके दर्द में भी उनकी आवाज़ बने, तब इंटरेक्शन बढ़ेगा. और इंटरेक्शन बढ़ेगा तो वो जानेंगे कि मुसलमान जिस तरीके से सोशल मीडिया और मीडिया चित्रित कर रहा है, वैसा हम वैसे मुसलमान नहीं है. दैट इज़ वन थिंग. दिस बुलडोजर इज नॉट ओनली डेमोलिशिंग होम ऑफ मुस्लिम्स, होम लाइवलीहुड एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ मुस्लिम्स, इट इज़ डेमोलिशिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज़ डेमोलिशिंग रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, इट इज़ डेमोलिशिंग ह्यूमैनिटी. कब हम ये ह्यूमैनिटी भारतवासियों में फिर से रिस्टोर कर पाएंगे? That is a bigger challenge and that is a bigger battle of heart and minds that we'll have to fight. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलकर ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास करें, इसके एहतजाज करें कि ये कम से कम वायोलेशन ऑफ राइट्स, हमारे ये जो बुलडोज़र की जो कार्रवाई है उसको रोकी जाए. ये अब आज के दौर में इंतहाई ज़रूरी है, वरना लोगों के दिलों में इतना खौफ तारी हो जाएगा कि मुश्किल है कि अब शहर से निकले कोई घर से,
एक छत जो सहारा है वो न निकल जाए अपने सर से, इस तरह का खौफ लोगों के दिलों में तारी हो जाएगा। आज हमारे दरमियान अनसीन ब्लड जो अब्दुल वाहिद शेख साहब के ऊपर जो एक मूवी बनी थी हिमोलिम्फ, उनके डायरेक्टर सुदर्शन गामरे साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, और उस मूवी के जो मेन कैरेक्टर जो वाहिद सर का कैरेक्टर निभाए थे वो डॉक्टर साहब भी, उसके हीरो मूवी के हीरो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम में वो आए और इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाएं। इसके बाद मैं आवाज़ दूंगा मनीषा भल्ला साहिबा को, वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। और मैं सबसे पहले तो इनके ताल्लुक से चंद बातें बता देता हूं कि ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और जो किताब है बाइज्जत बरी, बाइज्जत बरी के ऑथर हैं मुसन्निफा। मैं चाहता हूं अपने ख्यालात का इजहार करें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अभी माहौल का अंदाज़ा मेरे ख्याल से इस बात से हम अच्छे से लगा सकते हैं कि मैंने वाहिद भाई को बोला कि फेसबुक लाइव थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, है ना। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा तो कहने के लिए नहीं है, लेकिन बींग एन रिपोर्टर, बींग एन जर्नलिस्ट, मैंने बुलडोज़र जस्टिस में हमने कुछ कहानियों में जब काम किया या जब भी हम फील्ड में गए, उसमें मैं दो उदाहरणों से अपनी बात शुरू करती हूँ। खरगोन में जिस समय घर तोड़े गए थे, दुकानें तोड़ी गई थी, उसमें दो नाम, एक जैसे नाम के दो मुस्लिम थे, शायद इरफान नाम था। तो उनमें से एक इरफान का सूची में नाम था कि उनकी बेकरी शॉप तोड़ी जाएगी, और दूसरे का नाम नहीं था। लेकिन प्रशासन के जो लोग थे वो आकर एक इरफान की दुकान को तोड़कर चले गए। तो दूसरे इरफान भाई ने अगले दिन जाके बोला कि मेरा तो इसमें नाम भी नहीं था, मैं यहाँ पर था भी नहीं, और मेरी दुकान जो है वो तोड़ दी गई, वो गलती से, क्योंकि सेम नाम के दो लोग थे तो एक की दुकान गलती से तोड़ दी गई, जबकि तोड़नी दूसरे इरफान की थी। तो प्रशासन ने कोई कंपनसेशन देने की बजाय या सॉरी फील करने की बजाय या किसी भी तरह का वो करने की बजाय अगले दिन सुबह सुबह आकर दूसरे इरफान भाई की भी दुकान तोड़कर चले गए, नंबर वन। नंबर सेकेंड, जो केस खुद से, एक और मैंने खुद से जो कवर किया था, मध्य प्रदेश में जिस समय विधानसभा इलेक्शन हुए थे उस समय दो गुटों में झगड़ा हुआ, हिंदू गुट और मुस्लिम गुट में, क्योंकि आमतौर पर चुनावों में होता है। तो गलती जिसकी थी वो हम लोग अच्छे से जानते हैं किसकी रही होगी, प्रवोक किया गया बहुत बुरी तरह से, और जिन मुस्लिम लड़कों ने या मुस्लिम लोगों ने 500 मीटर खड़े होकर दूर से उस लड़ाई को देखा, उन तक के घर तोड़ दिए गए। वो मैंने खुद अभी रिसेंटली हम लोग स्टोरी कर रहे थे तो मैंने देखा। तो इसमें दो बातें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती हैं, जिसका जवाब नहीं है, कि एक तो ज़्यादातर घर जो तोड़े गए या तोड़े जाते हैं वो उनके नाम पर ही नहीं होते हैं। मान लीजिए कि मैं मनीषा भल्ला हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, और मेरा, मैंने कुछ बोल दिया है, मैंने कुछ कर दिया है, मानती हूँ कि मैं अपराधी हूँ, मैं कल्प्रेट हूँ, और मेरा घर जो है वो तोड़ा जाएगा, लेकिन घर मेरे नाम पर ही नहीं है, तो मुझे फिर सजा कैसे हो सकती है? तो घर ही मेरे नाम पर नहीं है, मेरे दादा के नाम पर है, मेरी माँ के नाम पर है, मेरे भाई के नाम पर है, किसी और के नाम पर है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस घर से कितने लोग जुड़े होते हैं। एक घर में ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 5 से लेकर 15 के करीब जो है वो लोग रहते हैं। लोग बेघर हो जाते हैं, किराए पर रहते हैं, यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, उनका सामान तोड़ दिया जाता है। हमने खुद इतना वॉशिंग मशीन, घर का ज़रूरी सामान, पेटियाँ, अलमारियाँ, उनके ऊपर पूरे वो डेंट पड़े हुए हम लोगों ने उनके आंगनों में, टूटे आंगनों में पड़े देखे हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम अधिकारियों से बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो अधिकारियों के पास आपको चुप करवाने का एक बहुत ही अच्छा एक जवाब होता है कि जी एनक्रोचमेंट थी। तो जब एनक्रोचमेंट की बात आती है तो आप भी चुप हो जाते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, इंक्रोचमेंट होगी, लेकिन उसमें मतलब कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, और हम लोगों का ये कहना भी रहता है कि हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा है, और इंक्रोचमेंट एक ऐसी चीज है जो कि एक स्थानीय प्रधान से शुरू होकर शायद सांसद तक उसकी जो उगाही है वो जाती है।
मैं जो नई नई मुंबई में आई थी, मैंने बॉलीवुड भी कवर किया है, तो मुझे मालूम है कि एक एक बहुत बड़े स्टार एक्टर है, बहुत बड़े स्टार एक्टर, बैंडस्टैंड के सामने उनका बंगलो है, तो उनकी एक मंजिल जो है ना वो इंक्रोचमेंट के उसमें आती है। बीएमसी हर साल सिर्फ उनको नोटिस देती है, उनका तो आपको हाथ लगाने की हिम्मत है नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कईयों ने अपने बाग बगीचे बनाए हुए हैं, कईयों ने कुछ कर रखा है, कुछ कर रखा है। तो दो चीज़ें जो हैं घर तोड़ने के संदर्भ में मुझे समझ में नहीं आती हैं कि जो अपराधी है अगर आपको उसको सज़ा देनी भी है तो वो तो घर ही उसके नाम पर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जस्टिस जो बुलडोज़र जस्टिस है वो कैसे हो सकता है? फिर अदालतों का क्या होगा, वकीलों का क्या होगा, इतने सारे नोटरी वाले बैठे हैं उनका क्या होगा, इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इतना सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनका क्या होगा? और तीसरी बात जो मुझे इंक्रोचमेंट वाली बात है वो तो बिल्कुल ही एक पागलपंथी वाली बात लगती है कि इंक्रोचमेंट है। इंक्रोचमेंट हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि एक गांव के मोहल्ले से लेकर जिसका भी जिस भी बड़े बाजार बिल्डिंग शहर और महानगर का हम लोग नाम लेते हैं वहाँ तक जो है इंक्रोचमेंट है। अभी मैं इरफान भाई की बात सुन रही थी कि इरफान भाई का ये कहना है कि एक ज़माना वो होता था कि और सबसे बड़ी बात है कि आप उस पर ना अभी लिख भी नहीं सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत ही डिप्लोमेटिकली आपको लिखना पड़ता है, बहुत ही डिप्लोमेटिकली आपको बोलना पड़ता है। आज से 5-7 साल पहले मुझे लगता है कि वाहिद भाई इस बात के गवाह हैं कि हम लोग कैसे स्टेज पे खड़े होकर बोला करते थे। बाइज़्ज़त बरी जब मेरी किताब आई थी, कैसे उस किताब को लेकर हम लोग जगह जगह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमे हैं। बाइज़्ज़त बरी भी मराठी में भी आ रही है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं है कि हम प्रोग्राम कर लें। वो भी ज़माना था कि हमने उस किताब को लेकर पूरे देश में घूमे हैं, और अब ये भी हिम्मत नहीं है कि अगर 1-1.5 महीने में हमारी किताब आ रही है, निखिल वागले जी ने उसका ट्रांसलेशन किया है, कि हम उस किताब पर कोई प्रोग्राम सोच भी लें। तो जो अभी इरफान भाई कह रहे थे कि एक वो ज़माना था कि शाबानो केस में या बाबरी मस्जिद वाले मामले में हम लोग सड़क पर आ जाते थे, तो मुस्लिम्स के साथ जिस तरह का जो भी हो रहा है, तो मेरा आपको ये कहना है यहाँ पर कि सिर्फ मुसलमानों के ही साथ नहीं, जिस दिन राम मंदिर का वो हुआ, सेरेमनी हुई, उस दिन हम लोग, मैं यही माडा आइलैंड में रहती हूँ, तो हम लोग बीच पे वॉक कर रहे थे, मेरी दूसरी दोस्त भी हिंदू हैं और हम दोनों ही हिंदू हैं, हम लोग बात कर रहे थे कि आज मतलब कि इतना सफोकेशन है, जब हम लोग बाज़ार में पूरा दिन भर शहर वहर वगैरह घूम कर आए कि हमारा दम घुट रहा है। तो जब मैं ये कहती हूँ कि अगर हमारा दम घुट सकता है तो हम सोच सकते हैं कि दूसरी कम्युनिटी जो है वहाँ के हालात जो हैं वो कैसे होंगे। और सबसे आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं, जो सेकुलर हिंदू हैं ना उनके हालात मुसलमानों से भी ख़राब हैं, क्योंकि मुसलमान हम हैं नहीं और हिंदू हमें बिठाते नहीं हैं, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन क्या है क्या नहीं है, आई एम सॉरी, मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन एक राइटर, एक लेखक, पत्रकार होने के नाते हम लोग अपनी स्टोरीज़ के साथ कोशिश करते हैं कि जितना हो सके जस्टिस करें। थैंक यू। बहुत अच्छा बोला मैडम। सर पर 7 आकाश, ज़मीन पर 7 समुंदर बिखरे हैं, आंखें छोटी पड़ जाती हैं, इतने मंजर बिखरे हैं। आपकी जो बातें हैं वो लोगों को झिंझोड़ कर गई। रियली आपने जो हकीकत बयानी से काम लिया, हम सब बहुत मुतासिर हुए। आज के हमारे जो, मैं समझता हूँ सभी लोग इस महफिल में, इस प्रोग्राम में जितने भी मौजूद हैं, भीमा कोरेगांव केस के वाक़े से सब वाकिफ़ हैं, इससे कोई नाबलद नहीं है। आज के जो हमारे मेहमान हैं, स्पीकर हैं, जिनको भीमा कोरेगांव केस में इल्लीगली रॉन्गफुल अरेस्ट किया गया था, वो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एक बेहतरीन राइटर, मुसन्निफ और इंडियन स्कॉलर सिविल राइट्स के बहुत ही अच्छे एक्टिविस्ट हैं, और जनाब आनंद, डॉक्टर आनंद साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूं अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर आनंद साहब। शुक्रिया। मैं सबसे पहले इनोसेंस नेटवर्क का को मुबारकबाद और शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। मुबारकबाद इसलिए कि आपने इस हालात में शाहिद की मेमोरी को ज़िंदा रखने के लिए इतना काम किया,
और 7 सालों से ये लेक्चर का आयोजन कर रहे हैं, और थैंक्स इसलिए कि वो हमारा काम था। बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे कि शायद CPDR नाम की संस्था है, उससे जुड़ा था वो, हमारी कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स नाम की संस्था जो अपने सिविल राइट्स के लिए लड़ती रही है। 1978 में उसका फॉर्मेशन हुआ, दूसरे भी बहुत सारे राज्यों में इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, और उसी में से एक महाराष्ट्र के लिए एक सिविल राइट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन था उसी कड़ी में। तो शाहिद आज़मी हमारे संस्था के मेंबर थे, और हम लोग चाहते थे 2010 में जब उनको मारा गया, तो उनके बाद में हम लोग चाहते थे कि उनके नाम से हम मेमोरियल लेक्चर इंस्टीट्यूट करें, लेकिन किसी वजह से हम वो नहीं कर पाए। 2010 में मैं भी वेस्ट बंगाल चला गया था, और सारे इधर उधर थे, तो उसे कि कोई भी वजह हो, लेकिन हम नहीं कर पाए। और मैंने काफ़ी दिलचस्पी से जाना कि कोई लोग सामने आ गए हैं, जब मैं बॉम्बे में नहीं था और उन्होंने ये लेक्चर का आयोजन किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी कुछ कहा गया है आज के विषय पे, जो बुलडोजर जेनोसाइड, आई वुड कॉल इट एथनोसाइड, ये बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भी कम पड़ते हैं। जो आज की हालात है उसको डिपिक करने के लिए ये भी वर्ड्स शायद ठीक ही पड़ेंगे। मैं कुछ ऐड करने के लिए मैंने उसकी ज़रूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि पहले तो मेरी जो साथी है माहरुख, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा है आपको कि बुलडोज़र जो डिमोलिशन होते हैं, प्यूनिटिव डिमोलिशन, उसके माने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत माने क्या होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के तहत माने क्या होते हैं। और मेरे जो और साथी है इरफान भाई, उन्होंने भी काफ़ी कुछ समझाया है, वो भी हमारे तरह सिविल राइट्स के कामों में लगे हैं सालों से, तो उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं। सिद्दीकी भाई भी शुरुआत से काफ़ी कुछ कह गए, मैं कुछ अपने पर्सनल चीज़ों पे ज़रा आपको वाकिफ करूँगा। शाहिद के बारे में मुझे वाहिद ने बोला भी था कि चूँकि वो हमारे दोस्त थे, तो मैं उनके बारे में कुछ बोलूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यंगस्टर्स हैं प्रॉबेबली वो शाहिद को नहीं जानते होंगे। ये जो बुलडोज़र का मामला है, इज़राइल का बड़ा उल्लेख होता है। मैं उन दिनों अचानक से मैं इज़राइल में था, 2003 मैं वहाँ पर एक बड़ी टेक्नियन यूनिवर्सिटी है हैफा में, उसमें पढ़ा रहा था, एक कोर्स पढ़ाया, तो उसमें 2003 में जेरूसलम में एक रैशल कॉरी करके एक 23 इयर्स ओल्ड लड़की थी, अमेरिकन पीस राइट्स वाली, वो जेरूसलम में इस तरह के डेमोलिशन हुआ करते थे जो आज हम सुनते हैं, वो 2003 में भी ये चल रहा था। और उसके कुछ एक्टिविस्ट लोग हैं, उसको बुलडोज़र को रोकने के लिए उन्होंने कोशिश की और बुलडोज़र उस पर चलाया, उसमें वो रैशल मरी गई। 20 साल बाद ये जो लोग आए हैं हमारे रूल करने के लिए हमारे ऊपर, उन्होंने ये मॉडल अपनाया है। 20 साल बाद यहाँ पे, और सभी जानते हैं कि इज़राइल जो आज के रूलर से उनका रिश्ता क्या है, तो ये जो मसला है एक्चुअली वो इज़राइल से आया हुआ, इज़राइल ने मॉडल बनाया। एक और मैं बता दूं कि एक जेफ हैपर नाम का एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, इजरायली एक्चुअली जू है, और उन्होंने वो एक वहाँ पे कमेटी भी है, इजरायली कमेटी अगेंस्ट डिमोलिशन ऑफ हाउसेस समथिंग लाइक दैट, उसके डायरेक्टर है, उन्होंने एक किताब भी लिखी है ऑब्स्टेकल टू पीस। और उन्होंने जो जेरूसलम में जो ये डेमोलिशन होते थे बुलडोज़र से, उसका जिक्र किया है,
और एग्जैक्टली किसी ने कहा भी है कि उनको नोटिस, जैसे खारगोन में आप गए थे, इरफान भाई गए थे, और उनको नोटिस मिलता है कि रात के 12 बजे नोटिस मिलता है, उसके घर पे चिपकाया जाता है, क्योंकि लेने के लिए तो लोग सोए होंगे, उसको तो कोई लेगा नहीं, तो उसके घरों पे चिपकाया जाता है। सवेरे सवेरे 5-6 बजे बुलडोज़र आके उनके घरों को तबाह कर जाता है। तो यही मॉडल है जेरूसलम में हुआ करता था, उसमें किताब में लिखा है, जिन लोगों ने अगर पढ़ी है तो ठीक है, नहीं तो पढ़ लीजिए, उसमें काफ़ी कुछ इस तरह के जिक्र है कि रात में नोटिस आएगा, चिपका देंगे, और बाद में सवेरे सवेरे आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे, आप वो नोटिस को पढ़ भी नहीं पाएंगे, उसके पहले ही आपका घर डिमोलिश हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पैलेस्टीन के लिए इसराइल वो ज़मीन कब्जा करना चाहता था वगैरह, और आम बात है, आज पैलेस्टीन न्यूज़ में है कि कितने महीनों से ये युद्ध चल रहा है, और कोई उसके ऊपर सारे कुछ लोग बोल रहे हैं लेकिन कुछ होता नहीं है वो। और यही जो मॉडल है इंडिया में लागू होता है, हम कितना भी रैशनल बात करें, कितनी भी समझदारी की या कानून की बात करें, उन पे कुछ असर होने वाला नहीं है, बिल क्योंकि उनका जो बुनियाद है वो झूठ पे आधारित है, और वे हमने ठीक से समझना पड़ेगा, बिकॉज़ वही झूठ वो दोहराते रहते हैं, और वही जो झूठ है उसी के मद्देनज़र उन्होंने आज पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली है। ये चंद लोग जो शायद 4-5% से ऊपर नहीं है, उनका ये राज है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये सारा माहौल मुस्लिम अपना ये करके अदरिंग करके मुस्लिम्स को वगैरह, ये सारे हिंदुओं को उन्होंने इकट्ठा किया। ओके आज जब 80% बोलते हैं आप लोग, शायद आज ये सारी बातें जानने की बहुत ज़रूरी है कि देर इज़ नथिंग लाइक हिंदू। ओके हिंदू की अपनी जो बुनियादी पहचान है वो कास्ट थी। ओके जाति उसकी पहचान थी, लेकिन ये अपने इरादों में सफल हो गए कि सारे जो जातियां हैं ऊपर में उनको इकट्ठा कर लिया। क्या वो चाहते हैं कि वो जातियां जाए? नहीं, वो नहीं चाहते हैं, लेकिन आज वो जो नरेटिव है उन्होंने इस तरह का कंस्ट्रक्ट किया है कि सारे जो ओबीसीज है, जो ओबीसी माने शूद्रा, जो फोर वर्ना स्ट्रक्चर में सारे जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्किंग क्लास है वो शूद्र है, और उसके नीचे भी एक क्लास है होता है वो दलित, सारे लोग जानते हैं कि वो दलित होते हैं, वो अनटचेबल हुआ करते थे, वो दलित होते हैं। इन लोगों को सारा इकट्ठा करके उन्होंने हिंदू के एक फ्रेमवर्क में लाया, और उसको एक्चुअली कंसोलिडेट करने के लिए मुसलमान को वो अदरिंग करते रहे कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऐसा है, मुसलमान का चाहे कुछ भी चुप रह जाए, कितना भी टॉलरेट कर जाए, लेकिन ये सारा सिलसिला ये चलाते रहेंगे। ये जो झूठ है इसको जानने की पहले ज़रूरत है। हम अनफॉर्चुनेटली जो शुद्रा लोग हैं, जो ओबीसीज है या बीसीज है अपने आप को कहते हैं, ये लोगों को समझ नहीं है। ये लोग बड़े तादाद में है इंडिया में, सबसे ज़्यादा तादाद एक जो कास्ट के तौर पे या कम्युनिटी के तौर पे बोला जाए तो इन लोगों की है, और वो लोग एक्चुअली उनके फूट सोल्जर बन बैठे हैं। चाहे आप गोधरा में जाए, चाहे वो गुजरात का 2002 नरसंहार हो या कोई भी हो, हमने बहुत नज़दीक से देखा है, और ये सारी चीज़ें समझने की बहुत ज़रूरत है, और उससे भी ज़रूरत है, जैसे इरफान भाई ने कहा, मैं पहले ही कह दूँ, इससे भी ज़रूरत है कि अपने जो घेटोआइजेशन है अपने अपने कम्युनिटी का, कास्ट कम्युनिटी का, अभी तो भी हमने जागना चाहिए, और इसको तोड़ के हम लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर हम लोग इस तरह से एक एक करके हमारे अपनी कौम की पहचान या जातियों की पहचान रख के करेंगे, तो हम एक्चुअली वो माइनॉरिटी ही रहेंगे, और निग्लिजिबल माइनॉरिटी रहेंगे, जिसको कि वो आसानी से कुचल जा सकते हैं। मैं
मैं मुझे याद नहीं, शायद अगर उन दिनों अगर नहीं मारा जाता और आज शायद यहाँ पे होता तो क्या करता, ये इमेजिनेशन करना मेरे लिए बहुत शायद एक अन्याय के लिए आप एक फिल्म भी उसके बनी थी और मैंने अभी अभी देखी क्योंकि मैं नहीं देख पाया था पहले, उसमें कुछ पार्ट्स आया भी है तो उससे भी लोग शायद जानते होंगे कि शायद बीच में 14 में उसको एक जो 14 साल का लड़का था उसको लेके गए थे 1992 में जो यहाँ पे राइट्स हो गए थे उससे चीड़ कर वो उस पर उस माहौल में उसको अरेस्ट किया गया था और चूंकि जुवेनाइल था वगैरह तो उसको छोड़ा भी गया था तुरंत, तो ज़्यादा देर वहाँ तब नहीं रहा। लेकिन उसके बाद में वो मुसलमानों की हालात देख के उसको काफ़ी गुस्सा आके ही एक्चुअली स्लिप्ड अप टू POK एंड वहाँ पे उसने कैंप में कुछ महीने ट्रेनिंग भी ली। हम लोगों को सब बहुत इससे इंटरेस्ट से बताता था वो स्टोरीज वगैरह वहाँ की, तो ये सब चीज़ें हैं। और उसके तहत वो 7 साल तक तिहाड़ जेल में था। तिहाड़ जेल में जब उसको पहली बार ये करता था वो, हम लोगों को तो मालूम नहीं था, उसके बाद में हम थोड़ा जेल की हवा खा के आ गए, लेकिन तब वो बोलता था कि वो जेल में बंद था तो दीवारों से बातें करता था अपने आप में, उसको हैलुसिनेट होता था कि वो कहाँ है और क्या हो रहा है वगैरह वगैरह टाइप, तो काफ़ी दिलचस्प बातें होती थी वगैरह। शायद से हम जैसे वो लॉ किया उसने बाहर आने के बाद वो वकील बना, कुछ देर तक वो उसने वो मजीद मेहमान साहब है उनके साथ काम किया और बाद में इंडिपेंडेंटली वो काम करने लगे। और इंडिपेंडेंटली काम करते करते हमारे एक जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे सेबेस्टियन, उनका हमारा वो अड्डा हुआ करता था YMCA में और हम लोग जाते थे और वहाँ पे काफ़ी बातें होती थी, तो लीगली भी वो सलाह करते थे सेबेस्टियन से एंड वैसे फिर बाद में हम अपनी बातें करते थे। शायद मुझे बोलता रहता था कि कुछ फील्ड वर्क हो तो मुझे बताते जाओ, मैं करूँगा सारा कुछ काम। तो उस और तब 2000 मेरे ख्याल से 4 था जब हमारे विदर्भ में वनी में कुछ स्टूडेंट्स थे, 4 स्टूडेंट्स को पकड़ा गया, अरेस्ट कर लिया। बहाना ये था कि कहीं पे पोस्टर लगे थे नक्सलियों के कि वो मार्टर डे करके एंड देन 2004 इलेक्शन, तो इलेक्शन बायकॉट ऐसे कुछ नारे लिखे थे वहाँ पे और उन्होंने 4 स्टूडेंट्स को उठा ले गए। तो उसमें हमने CPDR में हमने तय किया कि इसकी फैक्ट फाइंडिंग की जाए और मैंने बोला शहीद को कि जा सकोगे क्या, तो वो तुरंत आया, मुझे नहीं मालूम था कि, लेकिन उसने बोला कि हाँ बिल्कुल जाऊंगा। तो हमने फिर सारा अरेंजमेंट किया कि यहाँ से ट्रेन से उधर रिजर्वेशन, मेरी कुछ रेलवेज में पहचान थी तो कर देते थे वो लोग तुरंत पे इमरजेंसी कोटा में वगैरह। हुआ ऐसे कि जब मैं उनको COP करने गया BT स्टेशन में, मैं खुद नहीं जा पा रहा था, तो ये सारे 3 लोगों की यहाँ पे कमेटी और वहाँ से कुछ लोग नागपुर से जुड़ने वाले थे, इस तरह की कमेटी बनाई। तो वहाँ के जाके अहम वक्त पे मुझे पता चला कि रिजर्वेशन थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया और उस आदमी ने रिजर्वेशन किया ही नहीं। तो शायद को मुझे बहुत बुरा लगा कि शायद मुझे उतना पर्सनली ये इमेजिनेशन नहीं था कि ये लड़का ऐसे रात भर ट्रैवल करके जाएंगे, बिकॉज हम लोग तो कर सकते थे लेकिन ये भी जाएगा ऐसे कुछ। मैंने बोलता है नहीं आप चिंता मत करिए, हम जाएंगे बराबर मैनेज करेंगे आप। और वहाँ पे जाके पूरी रात भर वो खड़े खड़े ट्रेन से ट्रैवल किया जनरल बोगी में 3 लोग, और वहाँ पे जाके सवेरे फिर उसके आगे में सारा कुछ अरेंजमेंट बराबर था, तो गाड़ी लेके फिर IG को मिले वो नक्सल सेल के, यवतमाल गए, वनी गए, चंद्रपुर गए, वो लॉ स्टूडेंट्स वगैरह थे उनके प्रिंसिपल को मिले, ट्रेड यूनियन वालों को मिले, और नागपुर वापस आके वो हैबिट्स का वापस फाइल किया। शायद ने उसकी वजह से उनको जो इस पुलिस से उस पुलिस स्टेशन तक, और बताते भी नहीं थे कहाँ रखे हैं, तो वो सब प्रक्रिया को एक्चुअली बंद किया गया। और बाद में यही बात आगे चलकर वो केस के क्वेश्चनिंग के लिए भी उनको यूज़फुल हुआ। तो और शायद उसके बाद में वापस आने के बाद हमारा ऐसा होता था कि एक्शन तो बड़े
इंटरेस्ट से हो जाता था, लेकिन लोग रिपोर्ट नहीं लिखेंगे. दिस लिथार्जी यूज टू बी देयर अमंग अस, बट शायद आके तुरंत दो घंटे में उसने रिपोर्ट प्रिपेयर किया. मैं गया, बाद में हम लोगों ने सारा कुछ फाइनलाइज करके पूरा प्रेस को डिस्ट्रीब्यूट किया. दिस वॉज द एफिशिएंसी, वॉज वेरी शार्प फेलो एंड वेरी एफिशिएंट टू. दूसरी बात याद आती है मुझे, तो ऐसी एक फैक्ट फाइंडिंग आप सभी जानते हैं, इशरत जहां का एनकाउंटर. तो हम लोगों ने ऑल इंडिया, तुरंत ऑल इंडिया टीम हमने कॉन्स्टिट्यूट किया ओवरनाइट एंड गुजरात को भेजा. तो उसमें शायद भी नहीं जा पाया, मैं भी नहीं जा पाया, लेकिन यहाँ पे बॉम्बे से तीन लोग भेजे थे और उनको मैंने पूरा ढांचा दिया था कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना है. और वी वेर द फर्स्ट पीपल टू डिक्लेयर दैट दिस दैट एनकाउंटर वॉज फेक, बिकॉज कुछ भी बात एक्चुअली सही नहीं थी. जो पुलिस का वर्जन था, उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया वो उस पर, और सारा जो डेटा लाया उसको एनालाइज करने के बाद हमको लगा कि ये पूरा फेक एनकाउंटर है, और उसका रिपोर्ट भी हम ले. वो फैक्ट फाइंडिंग दूसरा पार्ट था. तो शायद और मैं और दूसरे भी कुछ लोग थे, फिर हम लोग यहाँ पे बॉम्बे का पार्ट कवर किया, जैसे कि उसको खालसा कॉलेज में लोगों, उनके टीचर को मिलना, उसके फैमिली को मिलना, मुंबई के लोगों को मिलना, ये सारा कुछ हमने फिर बॉम्बे में आके फिर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट तैयार की. इस रिपोर्ट की बात यहाँ तक हुई कि जब SIT, आप मोटा मोटी सारी बातें जानते होंगे कि चार लोगों को मारा गया था वहाँ पर, और ये बताया गया था कि ये लोग LET ऑपरेटिव्स वगैरह है वगैरह, और मोदी और दूसरे लोगों में मोदी को ही असासिनेट करने के प्लॉट में शामिल है, और इस वजह से उनको एनकाउंटर किया गया था. CBI ने पहले इन्वेस्टिगेट किया और उसको फेक ठहराया. उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात अपील में गई थी हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट के तहत फिर SIT का गठन हुआ, और SIT ने भी 2009 में SIT का गठन हुआ शायद, और 2011 में SIT ने भी वही किया कि लोगों को पहले ही मारा गया था और वो स्पॉट पे लाके उन्होंने जस्ट स्टेज मैनेज ड्रामा किया. तो ये जो इशरत जहां का केस है उस पर मैं ज़्यादा कुछ इसके बाद बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद वो इतना इन्वॉल्व हो गया था कि उसके फैक्ट फाइंडिंग के रिपोर्ट के परे वो उस फैमिली के कांटेक्ट में थे, और एक बार मुझे उसने कहा कि हम मिल सकते हैं क्या, और फिर मैं गया यहाँ पे अपने ऑफिस होने के बाद. तो बोलता है कि आनंद इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लिकेट मामला हो रहा है, तो हम लोग यहीं पे छोड़ेंगे. बिकॉज आई वॉज पेस्टरिंग हिम कि और फॉलो एक्शन हमें लेना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए वगैरह वगैरह. तो ये एक बात है, और तीसरी बात है मालेगांव राइट, उसके बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं. और वी वेर प्रॉबली अगेन वन ऑफ द फर्स्ट टू डिक्लेयर दैट दिस वॉज ऑल फेक, एंड जो कुछ इन्फ्रेंसेस फिर आगे चलकर करकरे ने निकाले थे ATS कर के इसमें, तो वो सारे बात हम लोग भी पहले ही बता दिए थे. लेकिन ये तीनों बातों का इम्पैक्ट ये हुआ कि शायद मुझे बीच बीच में बोलने लगा कि मुझे काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, आपको आ रहे हैं क्या. तो मुझे तो आने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज मेरे में और शायद में एक ज़रूर फ़र्क था कि मैं मुसलमान नहीं था, तो वैसे फ़ोन वगैरह उसी को आने थे. तो मैं बोला वो ठीक है, तुम थोड़ा संभल के रहो, इस तरह की बातें होती थी. वही पैरेलली जो सभी को मालूम है कि उसने फिर एक केसेस अपने आप इंडिपेंडेंटली लड़ना शुरू किया. 2000 वो जो बॉम्बे बॉम ब्लास्ट है, 7/11 है, 26/11 है, या औरंगाबाद आर्म्स हॉल है, ये सारी केसेस वो इंडिपेंडेंटली हैंडल कर रहा था. और इसके तहत तो एक स्टेट के लिए वो एक क्या बोलेंगे चैलेंज की तरह उभर रहा था. तो उस पे उसको काफ़ी इसके धमकियां वगैरह फ़ोन पे आ रही थी. और मैं ये शायद अभी बता सकता हूँ कि जब वो 11 फरवरी को उसको मारा गया, तो मैं मेरे ख्याल से 30 और 30
उसके पहले जनवरी में 30 और 31st समथिंग मुझे उस तरफ काम था, तो मैंने ऑफिस से उसको पिकअप किया और उसे ऑफिस में छोड़ दिया। दैट वाज माय फर्स्ट एंड प्रॉबली लास्ट टाइम दैट आई हैड सीन हिज ऑफिस। जस्ट हम चाय पीने के लिए रुके 5 मिनट और मुझे कहीं जाना था, मैं चला गया। और उसके बाद में यही 11 फरवरी की वाकया हुआ और शायद चला गया। मैंने इतना ऐसे क्या कहेंगे, वॉज अ वेरी जेम ऑफ ए पर्सन, दैट्स व्हाट आई वुड से इन वन वर्ड। अभी ये जो हालात है हमारे, जो बुलडोजर इनजस्टिस है, बुलडोजर जस्टिस है दूसरों के लिए, और जेनोसाइड या जो भी है उसे हम क्या करें क्या, बात ये है। अभी तक हम लोग एक्चुअली इक्का दुक्का करके ये लोगों ने हमको डिवाइड करके रखा है, और इन्होंने दूसरी तरफ अपने आप को एक कंसोलिडेट किया है हिंदू करके। अभी नज़दीक है 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं होना है कि वो लोग आसानी से अपना पूरा लेके जाएंगे। 2019 से भी ज़्यादा सीटें प्रॉब्ली आ जाएगी। मैं ये कहता था जब ये माहौल नहीं था, तब मेरा अंदाज़ ये था कि अगर उन्होंने किसी भी तरह गवर्नमेंट भी फॉर्म कर दी तब भी वो सारा कुछ कंक्लूड कर देंगे। मैं जब बाहर था 2019 में, मैंने एक आर्टिकल लिखा था और उसमें करीब करीब बीजेपी का पूरा ब्लूप्रिंट दिया था कि ये लोग कर क्या रहे हैं और कब क्या करेंगे। हाँ, और पीछे देख के अगर मैं देखता हूँ उसको, तो सारा का सारा चीज़ें अप्रोक्सीमेटली ठीक है, सिर्फ पैंडेमिक के। मुझे लग रहा था कि उनको दो ही टर्म चाहिए पूरा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, लेकिन ये पैंडेमिक बीच में आया और 2-3 साल का उनमें डिस्टर्बेंस हुआ इस वजह से, तो उनको अभी एक और टर्म चाहिए है। ये टर्म हम उनको प्लेटर पे दे रहे हैं, जो हम अपने आप में जो माहौल बना दिया है उससे वो प्लेटर पे मिल जाएगा। तो उसके बाद में क्या होगा, बिकॉज हम चाहे कितनी भी बातें करें कि हम रेजिस्ट करें, हम ये करें, रेजिस्ट ज़रूर करना चाहिए, स्ट्रगल ज़रूर करना चाहिए, लेकिन टू व्हाट अवेल, क्या मिलने वाला है? क्योंकि आप कुछ भी बोलेंगे उसको कोई बहाना नहीं चाहिए, आपको एनक्रोचमेंट का बहाना नहीं चाहिए। एक्चुअली ये नहीं बहाना है, ये सब बताने की बातें हैं कि वो ये एनक्रोचमेंट था जो कि हमने एकदम इंस्टेंट जस्टिस की तरह बुलडोजर कर लगा के पूरा डिमोलिश कर दिया, इंस्टेंट जस्टिस है, इस तरह लोगों को फैलाने के लिए वो करते रहते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। माहौल ऐसा है कि जब डिमोलिशन होता है तो सारा आजू बाजू के लोग सेलिब्रेट करते हैं। आपने जाना होगा कि हैदराबाद में वो कुछ रेप हुआ था और उनको वहाँ पे किसी बहाने वो जगह पे लेके गए और उनको वहाँ पे एनकाउंटर कर दिया, और लोग पूरे मिठाई बांट रहे हैं हैदराबाद में, पूरा ये कर रहे हैं। कोई ये नहीं पूछा कि ये लोगों ने रियली रेप किया था, वेयर द रेपिस्ट, कोई किसी के मन में ये शंका तक नहीं आती है। एक बार मैं हम लोग जेल में थे और टीवी पे देख रहे थे कि वो जो कोई यूपी का गुंडा था, होगा गुंडा, वो उज्जैन लाया और बाद में उसको लेके गए और ऑन कैमरा देवर एक्चुअली एनकाउंट दे किल्ड हिम एंड लोग जश्न मना रहे हैं। अभी ये जो हालात है उसको क्या करें? मैंने कल एक IIM अहमदाबाद है उसके प्रोफेसर मैं भी वहाँ पढ़ा हूँ, तो आए हमारे घर मिलने और उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा वगैरह हुई है ना, तो IIM अहमदाबाद, जबकि हमारे ज़माने में उसमें इवन 100 UG नक्सल है, उन लोगों को भी बुला के बातें होती थी। हाँ, कोई
ये नहीं थी, कोई पाबंदी नहीं थी कोई भी बात बोलने के लिए, इस तरह का एक माहौल था। समथिंग लाइक यू कैन से दैट एकेडमिकली इट वाज द लास्ट बैस्टियन टू फॉल। तो वहाँ पे कैंपस में बोलते हैं कि लड़के और फैकल्टी, कुछ लड़के सैफ्रॉन रोब कपड़े पहन के अपना स्लोगन दे रहे थे। अभी क्या ये जब हालात है देश के, तो हमें कौन क्या तरीका अपनाना होगा? क्योंकि हमें अभी एक्चुअली ये लंबा चलेगा, ये जो स्ट्रगल जो है, स्ट्रगल के सिवा तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये स्ट्रगल बहुत लंबा चलने वाला है। और ये और हम वही गलतियां दोहराए ना, इसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तो एक सिंपल सी बातें हैं कि हमें घेटोइजेशन जो है, हमने अपने आप को करा लिया है, उसको तोड़ना पड़ेगा। हमको जुड़ना पड़ेगा, जो लोग हमारे जैसे हैं, जो वर्किंग क्लास है, उससे जुड़ना पड़ेगा, चाहे वो किसी की जाति की है। मैं यही कहता रहता हूँ, लेकिन होता नहीं है। ये सिंपल सी बात है, अगर इकट्ठा लोग आ जाए तो उनका जो हिंदू करके जो कोट अनकोट बनाया है उन्होंने हिंदू, वो ढकोसला भी एक्चुअली ढल जाएगा, वो कहीं के नहीं रह जाएंगे, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस मैं इतना कह के, ये हमारी ज़रूरत है, आज वक्त ने हमें यहाँ पर अल्लाह के रखा है, इतनी ज़रूरत आपके सामने पेश करके मैं अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ। डॉक्टर आनंद साहब ने अपने पर्सनल व्यूज़, अपने एक्सपीरियंस को अपने जिस जज्बाती अंदाज से मरहूम शाहिद आज़मी को खिराज हकीदत पेश किया है, हम उनके ममनून हैं। और उन्होंने जो अपने पर्सनल व्यूज़ हमारे सामने रखे, वो भी हमारे लिए जो मशले राह है। और जैसा इनोसेंस नेटवर्क के सभी एक्टिविस्ट इस प्रोग्राम को हर साल करते हैं, इसके अलावा अब ये जो बुलडोज़र की कार्रवाई है, इसके ख़िलाफ़ भी दीगर तंजीमें, दूसरी तमाम ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी एक्टिविस्ट अगर तहरीक पर उतर जाएं, तो यकीनन ये बुलडोज़र की कार्रवाई रोकी जा सकती है। और इनका ये जो मंशा है वो यकीनन फ्लॉप हो सकता है। मैं आज के आखिरी इस प्रोग्राम के लिए रस्म शुक्रिया के लिए जनाब एडवोकेट इब्राहिम साहब को आवाज़ देता हूँ। अस्सलाम अलैकुम। 2007 में एडवोकेट शाहिद आज़मी ने एक लास्ट प्रोग्राम किया था औरंगाबाद में, मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द शायद मैं इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊं। लेकिन उन्होंने एक जुमला कहा था कि जहां जहां मेरा खून गिरेगा वहां वहां शाहिद पैदा हो जाएंगे। आज हम सब जो है एक फ़ख्र से कह सकते हैं कि मैं भी शाहिद हूं, और हम उस लड़ाई को जो है आखिर तक लेकर जाएंगे जो लड़ाई जो है शाहिद भाई ने शुरू की थी, इंशाल्लाह। दूसरा, ये इस बात की गवाही है आप लोगों का यहाँ पर रहना कि हम उस लड़ाई को और उस हक़ की आवाज़ को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, और हमारी आने वाली नस्लें भी इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करती रहेगी। तो शाहिद भाई आज भी हमारे अंदर ज़िंदा है, और मैं जो है आज के मेहमान खुसूसी जो है प्रोफेसर साहब, जो है जनाब ज़ियाउद्दीन साहब, और जो है मैडम का भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और जो है सलीम सर का भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और जो है इस प्रोग्राम को कामयाब किया। जो है इसके साथ मैं अपना वोट ऑफ थैंक करता हूं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। सभी हजरात से गुजारिश है, चाय नहीं पियोगे, प्लीज चाय पी लेंगे बाहर।